आगे सर, वो आगे। हाँ हाँ, चलो। नमस्ते प्रसाद जी, इंतजाम बहुत अच्छा किया। वैसे बहुत सब जल्दी में हुआ है। हमारे दामाद जी कहाँ? अरे पवन कहाँ है? पवन कहाँ है? पवन कहाँ है? डैडी, डैडी, ये बादल क्यों छाए? अंधेरा क्यों है? मेरी शादी तो नहीं रुक जाएगी ना? बेकार की बातें बंद करके चश्मा उतार। हाँ। और देख धूप कितनी तेज है। धूप तो है। आंटी जी, क्या है बेटा? इंदु कहाँ है? आंटी जी अभी तैयार हो रही है, शायद नहा रही है। कितना बढ़िया है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। टॉवल मांग रही हूँ, सुनाई नहीं देता? तो क्या तुम ऐसे ही बाहर आ जाओगी? बाहर तो तुम्हें देखना मुश्किल है। तुम देख नहीं सकती तो बाहर जाओ, मुझे तैयार होना है। इंदु। अरे पवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है मुझे। ओ, ये बात है? वैसे दाद देनी होगी तुम्हारी सुंदरता पर, पूरी दुनिया में तुमसे हैंडसम नहीं होगा। चलो मान लेता हूँ। फिर हमें देर क्यों? आप अपना काम कीजिए। शादी होने से पहले दोनों मियाँ बीवी की तरह एक साथ घूम रहे हैं। नजर नहीं लगे इन दोनों की जोड़ी को। क्या जमाना है। पवन, देखो मेरी मदद करोगे प्लीज? बोलो इंदु, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। पवन, मुझे जरा उस दीवार पर चढ़ाओ ना। दीवार क्या चीज है? नथिंग। कम ऑन, चलो चलो मेरे ऊपर चढ़ जाओ। हाँ, इस तरह आराम से चलो चल जाओ। हाँ, देखा तुम्हें कितनी आसानी से चढ़ा दिया ना। सॉरी पवन। सॉरी किस लिए? मुझ पर पैर रख के चढ़ी इसलिए? क्योंकि मैं भाग रही हूँ। ओके ओके। इंदु, इंदु, बाय बाय पवन। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मत भागो इंदु। इंदु कहना है आपका? अरे दुल्हन भाग गई, देखते नहीं क्या? दुल्हन भाग गई, दूल्हा कह रहा है। मैं तो समझा रहा था। ए, चिल्लाता क्यों है? चुप कर। क्या हुआ बेटा? इंदु दीवार फांद कर चली गई। इतनी ऊंची दीवार फांद कर कैसे चली गई? उसने प्यार से कहा तो मैं नहीं चढ़ाया उसे। यादव जी, डीआईजी इंदु को फॉलो कर रहा है, चंदू को ये मैसेज पास करो। अरे वो कहाँ है हमको पता नहीं चला है, अब आप ही बताइए ना इंस्पेक्टर साहब, हम क्या करें? ठीक है यादव, तुम प्लान के मुताबिक काम करो, वो जहाँ कहीं भी होगा ठीक 10:30 बजे जरूर वहाँ पहुँच जाएगा।
हाँ बोलो। वैसे तुरंत 100 करोड़ रिलीज करेंगे हम। थैंक यू सर। अगर हेडलाइट टूट जाती ना तो तेरी तरफ हमें से दूर काट लेता। सिली फेलो, गधे की औलाद, सांड कहेंगे। इतना डांट रही और मुंह देख रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा तो आप डांट रही थी हमें, मुझे तो लगा तारीफ कर रही थी। गाड़ी में कौन है पता है? हाँ, कोल्हापुर आ गया। आपको कोल्हापुर उतरना है क्या? जी नहीं, वैसे बचपन से ही मुझे फाइट वगैरह देखने का बहुत शौक है। यहाँ पर सुना है चाकू छुरी बॉम्ब्स वगैरह बनाने वाले लोग रहते हैं। तुमने जैसा सुना है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। भाई जरा उनको बुला। तू गाड़ी बंद कर, डीजल बर्बाद हो रहा है। एडवांस पकड़ो, दस्तखत करो। क्या ये दिखाई नहीं देता? वाउचर है। इतने मर्डर किए मैंने लेकिन कहीं दस्तखत नहीं किए, भरोसा नहीं है क्या? मैं जो भी करता हूँ उसका हिसाब किताब रखता हूँ, तुम दस्तखत करो। मवाली लोग हम, पेन वेन इस्तेमाल नहीं करते। हर चीज के लिए ये इस्तेमाल करते हैं हम। लो 5 लाख तुम्हें दिए हैं, तुम्हारा खून देखने के लिए नहीं, शत्रु का देखने के लिए। कौन है आप लोग, मुझे क्यों मार रहे हैं? पूरे पैसे ले लिए और मैदान छोड़ के भाग रहे हो? क्या करूं, वो धुलाई कर रहा है। मेरा पैसा वापस कर दे। पैसा कहाँ है? फिर जाकर मारो उसे। कैसा रहा? कमाल है भाई। सामने देख, फाइट अच्छी है। आगा।
कोई पुरानी दुश्मनी? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुंबई का हूँ। क्या वहाँ कोई लफड़ा हुआ था? जमीन के मामले में शेषनाग शंकर नाम के गुंडे से लफड़ा हुआ था। यानी ये उसी का काम होगा। लेकिन ये उसके आदमी तो नहीं है। यही तो उसकी चालाकी है, इस तरह लफड़े करके आपसी दंगों का नाम देने की सोच रहा है। ठीक है, मुंबई पहुँच कर मुझसे मिलना। सर आप बोस? एसीपी सुभाष चंद्र बोस, कल ही ट्रांसफर होकर चला गया सुना था। वो शहर छोड़ के चला गया सोच के मैंने मर्डर करने का प्लान बनाया था। वो जाते जाते भी इतनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाएगा हमें क्या पता था। अरे तो मेरे पैसे वापस कर दे। हमें बस लेने की आदत है, देने की नहीं, समझे? आज ही मुंबई पहुँच रहा है वो, तुम और तुम्हारे गैंग के लोग उससे बच के रहना। अरे ये बोस भी कमाल का आदमी है, मुंबई पहुँचने से पहले ही 5 लाख का नुकसान कर दिया। हेलो बाबा। हेलो सर, आई एम इंदु। बॉस आपने तो कमाल ही कर दिया। सुपर्ब, आप मुंबई के हैं, कहाँ रहते हैं बताइए ना सर, आपका सेल नंबर दीजिए ना। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं सर, क्या फाइट किया आपने? डैडी। इसके डैडी सर, आपकी शादी हो गई? कब की हो गई? मेरे डैडी संतोष सोप यूज करते हैं और वो मेरी मम्मी है, रिन यूज करती है, रिन कपड़े धोने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। तुम भी हमारी तरह हो दीदी, हम पिंकी को अपने साथ ले जा रहे हैं। तुम डिसअपॉइंट मत हो, वैसे अपने चाचू से मुंबई जाते ही तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगी। चाचू? वो कौन? अरे अरे, ये फॉर्मेलिटीज अभी तुम लोग करते हो? देखो ये माला डालना, हाथ जोड़ना मुझे पसंद नहीं, माला ही पहना नहीं तो उनको पहना। नमस्ते सर। क्यों राव साहब, सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक ही है। अरे तुमने कोल्हापुर से मुंबई तो अपनी मर्जी से ट्रांसफर करवाया था ना? सब धर्मों के लोग शांति बनाकर रहते हैं यहाँ पर, यहाँ रह के मुझे काफी कुछ सीखना है। अच्छा, शहर के जो गुंडे मवाली है उनकी फाइल ले आना जरा। आपके सामने तैयार रखी है सर। अमरिंदर सूरी, दुर्गा सैयद, अरे शंकर नाम का भी कोई गुंडा है। शेषनाग शंकर क्या? हाँ। जाओ वो फाइल लेके आओ। हाँ सॉरी सर, शहर में आने वाले किसी भी एसीपी ने इसके बारे में पूछताछ नहीं की। आप पूछ रहे हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। यू आर समथिंग स्पेशल सर। ये क्या? यही नहीं सर, उसकी इल्लीगल एक्टिविटीज के बारे में यहाँ सब जानते हैं, लेकिन आज तक रिपोर्ट लिखवाने कोई पुलिस स्टेशन नहीं पहुँचा सर। अपनी कंप्लेंट लिखिए सर, अपनी कंप्लेंट लिखिए जल्दी। कौन हो तुम? प्लीज हम आपके पैर पड़ते हैं सर, प्लीज। इसकी कंप्लेंट लिखो, बोलो, परेशान होने की जरूरत नहीं। सर हमारी कांदी वाली के पास थोड़ी सी जमीन है सर, जब हम वहाँ भूमि पूजा कर रहे थे तो कुछ गुंडों ने आकर जमीन खाली करने को कहा और हम पर हमला भी किया सर। हमने उनके बहुत हाथ पांव जोड़े थे, बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। फिर हम वहाँ से जान बचा कर भाग गए, उन्होंने हमारा पीछा किया और हमारे सभी साथियों को काट डाला सर। अब मैं अकेला ही बच गया सर, उनमें से एक हमारे पीछे चाकू लेके पड़ गया सर, तो भगवान ने पत्थर के रूप में आके हमका बचाया। साहब उसका पैर पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गया, तब उसका चाकू उसी के पेट में घुस गया साहब और वो मर गया। अब आप ही मुझे बचाइए साहब। ठीक है मैं देखता हूँ, तुम हॉस्पिटल जाओ। थैंक यू साहब। कौन है ये आदमी? आप जिस शेषनाग शंकर के बारे में पूछ रहे थे वही है, इसने जो कुछ भी यहाँ बोला है टोटली रिवर्स हुआ होगा वहाँ पर। उसका चाकू उसके पेट में घुस गया और वो मर गया साहब। सबको खत्म कर दिया भाई। अबे नहीं, और थोड़े बैलेंस है। कौन है भाई? सॉरी, खुद को बचाने के लिए शेषनाग अपनों को दर्शाता है। आपने देखा सर उसको, वो जो खून करता है उसका कोई सबूत तक नहीं छोड़ता। मुझे जरा उसका बैकग्राउंड बताओ। वो कहाँ से आया कोई नहीं जानता सर, सेक्शन हेर फेर करना ही उसका बैकग्राउंड है। इसको पहले म्युनिसिपल कोर्ट के नजदीक भीख मांगते देखा गया था, बाद में हाई कोर्ट के नजदीक चाय बेचने लगा, वहाँ इसने वकीलों से पर्चे बढ़ाना शुरू कर दिया और झूठी गवाही देना अपना धंधा बना लिया। उसके बाद ये सेक्शन वगैरह जानने लगा और फिर उल्टे सीधे दांव पेच अपना कर लोगों का खून तक करने लगा है, और तभी से इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। ओह माय गॉड, ये तो वही है। इसको आप पहचानते हैं सर? कोल्हापुर रेलवे स्टेशन में मैंने इसको एक अटैक से बचाया था, इसका डिटेल्स बहुत जरूरी है, आप खुद जाकर ले आइए। ठीक है सर। तुम जाओ,
बोलिए सर। परसों कोल्हापुर स्टेशन में बसंत राठी गिरोह वालों ने किसी का खून करने की कोशिश की थी ना? बिल्कुल सर। तुम कुछ भी करो, उसके गिरोह के किसी एक को पकड़ के ऐसा कुछ करो कि वो सरेंडर हो जाए। ठीक है सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर, ये हत्या कैसे हुई कुछ बता सकते हैं? और किसने की कुछ बोल सकते हैं? कब हुई और पूछताछ कब शुरू होगी? आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए इस केस को उल्टा सीधा जरूर करेंगे, ऐसा लोगों को शक है सर। देखो ऐसा वैसा बोल के चीप पब्लिसिटी मत करो, चलो हटो। ए ए मिस्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? जर्नलिस्ट पे हाथ उठाने का मतलब जानते हैं आप? इनको उठाकर वैन में डाल दो, चलो। ए ए कैमरामैन, तुम जाओ एंगल फिट करो, हमारा पावर क्या है दिखाएंगे। शहर के बाहर हुई इस प्रकार की सामूहिक हत्या के बारे में पुलिस वाले कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये हत्याएं आपसी मतभेद के कारण हुई है या किसी जायदाद को हड़पने के लिए हुई है, पुलिस वालों के मुंह से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। वैसे शहर में आए नए एसीपी बोस इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। वैसे देखना ये है कि एसीपी बोस इस केस की तहकीकात सही से करते हैं। न्यूज़ देख रहे हो क्या? देख रहा हूँ भाई, ये मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। हमेशा पुलिस वालों पर कमेंट करना बस फैशन सा हो गया है। देखो माँ एक हाथ लग गया तो बस बोलते ही जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इस शहर के लिए कोई नई बात नहीं है। एक काम करता हूँ, इसे दरिया में फेंक देता। सही कहा तुमने, ऐसा ही करो अभी। छोटे, डोंट टच माय कैमरा, मीडिया वालों से टकराओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ बहुत बुरा होगा, पता है जीवन समाप्त हो जाएगा। ये बात तो मैं 25 सालों से सुन रही हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। सही कहा तुमने माँ। भाई बहस में टाइम वेस्ट क्यों करे, मैं इसे फेंक के आता हूँ, जल्दी जा। बाहू, क्या है बाबूजी? ये दोनों लफंगे मेरे इस कैमरे को दरिया में फेंकना चाहते हैं। बेटी तुम ही बचाओ। चंदू, इन्होंने तो अपनी ड्यूटी की है, गलत क्या है? भाभी तो ये भैया के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं? मैं कहती हूँ कैमरा वापस दो। आज आपके कैमरे का समय अच्छा है, वरना ये दरिया में तैर रहा होता। भाई ये क्या, अच्छा चांस मिस कर दिया। भाई कैमरा दरिया में फेंक देंगे तो दूसरा खरीद लेंगे ना वो। हम एक काम करते हैं। हाँ बोल। अगर इन्हें ही दरिया में फेंक दे तो प्रॉब्लम खत्म। तो फिर देर किस बात की? ये सब करोगे तुम? देखो बच्चे लोग, तुम दोनों मेरी ही बदौलत इस दुनिया में आए हो, ये बात मत बोलो। मिनिस्टर्स और बड़े बड़े गुंडों को मैंने अपने इन्हीं हाथों से हिला के रख दिया है। आफ्टर ऑल तुम लोग क्या चीज हो? पिस्तौल क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं पिस्तौल देख के डर जाऊंगा? अरे दादाजी, डर जाने से शायद ऐसा ही होता है। वैसे शरीर के नसों को हिल जाना इसी को बोलते हैं। चेयरमैन साहब, यही है हमारी जगह। आज तक हमारे काम में जो रुकावट बना हुआ था, ये उसी गिरीश की जगह है। इसको मिलाकर अब हमारे पास पूरे 100 एकड़ की बड़ी जमीन बन गई है। अपने गुडविल बैंक से हमें 100 करोड़ देंगे तो हम फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे और बदले में 10% कमीशन के साथ वापस लौटा देंगे। प्रपोजल बढ़िया है सर, लेकिन इतना पैसा एक साथ देने में रिस्क होगा। तो फिर 15% ले लीजिए, तुम्हारा रिस्क कम हो जाएगा। वैसे आपको हवा में दिया जलाने को थोड़े ही कह रहे हैं, जमीन के बदले पैसे मांग रहे हैं। आरबीआई की परमिशन के बिना देना थोड़ा मुश्किल। हेलो सर, एक मिनट बात कीजिए। कौन है? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जी, नमस्ते सर। अच्छा सर, आप लोग साथ हैं तो मुझे किस बात का टेंशन। ठीक है सर, मैं जरूर करूंगा सर, सारे कागजात मैं तैयार करवा लूंगा सर। ओके सर। देखा डिया जी साहब, जिंदगी में चाहे कितना ही पैसा कमा लो, लेकिन कुर्सी का पावर ही कुछ और है। क्यों चेयरमैन साहब? बड़े बिजनेस में डर होता है। वैसे तुरंत 100 करोड़ रिलीज करेंगे हम। थैंक यू सर। अगर हेडलाइट टूट जाती है तो तेरी तरफ से दो रुपए काट लेता। सिली फेलो, गधे की औलाद, सांझ कहेंगे। इतना डांट रही और मुंह देख रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा तो आप डांट रही थी हमें, मुझे तो लगा तारीफ कर रही थी। गाड़ी में कौन है पता है? चाहे कोई भी हो, मुझे क्या, तुम्हें दिखता नहीं हो गवारों की तरह ड्राइव करते हो? अरे बाबा, मैंने इसको बोला भी कि गाड़ी में कौन है, फिर भी कहती है मुझे क्या। देखो ना बाबा, लड़की से काय लफड़ा कर रहे हो? सॉरी बहन, हमारी गलती है। अच्छा सॉरी बोलने से छूट जाओगी क्या? अरे कॉलेज कैसे जाऊंगी, मेरी गाड़ी रिपेयर कौन करेगा? जी भाई, तुम गाड़ी रिपेयर करा के कॉलेज भेज दो। आई एम सॉरी, आप इतने अच्छे इंसान हैं, ये न जानते हुए मैंने आपको उल्टा सीधा कह दिया। बाय द वे, माय नेम इज इंदु। मेरा नाम शंकर है, लोग मुझे शेषनाग शंकर कहते हैं। वैसे काम क्या करते हैं? सेटलमेंट्स। यानी सेटलमेंट्स नहीं समझती? चुप कर, वो ऐसे ही बकता रहता है, तुम ध्यान मत दो। तुम्हारा कॉलेज जा गया। मेरी गाड़ी ठीक करा के ले आएंगे ना? बिल्कुल, का फिगर है, मजा आ गया। थैंक यू शंकर भैया। शेषनाग शंकर की भावना है। बाय बाय। पागला, हमारी तो लग गई रे। चल 500 की बेट लगी, 1000 की बेट चल। अरे फूटेगा, हार जाएगा। नहीं फूटेगा। इडियट्स, तुम्हें अकल नहीं है क्या? सॉरी सॉरी। शफी तो रुक जरा। आए हाय, ब्यूटी क्वीन पेपर ही तो बरसे हैं, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पत्थर बरसे हो। कॉलेज में नहीं हो क्या? कॉलेज पुराना है, मैं नहीं हूँ। अपना नाम तो बताओ। ऐसे बताने में शर्म आ रही है तो गोदी में उठा लेते हैं, फिर बता देना जान। अरे सुबह सुबह मौत के दर्शन करने का इरादा है क्या? चल हटा, 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 चल हटा। अरे जाना थी बालिका कौन है? शेषनाग शंकर की बहन है।
इसका मतलब है जिसने मुझे छोड़ा वो शेषनाग शंकर है? माफ कर देना भाई ना, ये लगा ना बहुत उधार लिया है, चुकता होना था ना हमरा। ओके चलो माफ किया माफ किया। ये अच्छा मौका दिया हमको, पूरी जिंदगी हम गुलाम बनकर रहेंगे आपके। ओके जय माता दी। हेलो ओए तुम्हें क्या खास तौर से बोलना पड़ेगा? सॉरी जी, जब मेरे दोस्तों ने बैट लगाया तो उस गुब्बारे को रिमोट से मैंने ही फोड़ा था। रिमोट से फोड़ा? दैट्स वेरी नाइस। एनीवे नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। ए भगवान मैं बर्बाद हो गया रे। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ बहना, मैं आइसक्रीम बेचने वाला हूँ। फिर ऐसे रोते क्यों हो? कुछ दिन पहले वो कैंटीन मेरी थी बहना, अपना समझ के सबको उधार देता रहा, पैसा मांगने पर मुझे बुरी तरह मारा, फिर भी हिम्मत करके पूछा तो चंदू से कहकर मुझे बाहर निकलवा दिया। बहना तुम शेषनाग शंकर की बहन हो ना? तुम सिर्फ एक बार उनसे बोल दो, सिर्फ एक बार, मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा बहना। ठीक है ठीक है। नमस्ते भाई यादव साहब। हम तुमको बोले रहे ना कि आवाज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा ना सर। अरे तुमसे कहा हम सॉफ्ट बात करूं, लेकिन तुम ये कैंटीन मेरी है कि नहीं है? कहां तेरी है? चंदू के हाथों से पिटवा के तुमने ये कैंटीन हथिया ली की नहीं? तो ठीक है कहो कर लोगे अब? जरा सोच समझ के बोलिए, आसपास औरतें भी हैं। अरे हुआ तो कहा हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा पीछे देख के यही बात बोलिए तो। क्या पीछे देखना? अब बहना असल में क्या हुआ बहना? पूरी बात समझ गई, चुपचाप ये कैंटीन इसे दे दो। कैंटीन उका देंगे तो हम कैसे जिएंगे बहना? सुनो बहना, इसको कैसे जीना मरना है ये मुझ पर छोड़ दो, तुम भीतर जाकर जो भी खाना है खा लो। इधर आवे, अब तुम जाओ बहना, मैं इसको समझ लूंगा। ठीक है भाई, कैंटीन ले लो, हमको दूसरा काम तो दे दो। तुम्हें देने के लिए मेरे पास दूसरा काम नहीं है, तुम ऐसा करो काम करना चाहते हो ना, चलो घंटा बजाओ। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, जोर से बजाओ, ऐसे आवाज आनी चाहिए, बजाओ। अब रोको, आइसक्रीम करके बोलो। ऐसा क्या कर रहे हो, आइसक्रीम जोर से चिल्लाओ। जोर से चिल्लाते रहो। घंटी बजाना अगर बंद किया ना तो काट डालूंगा, समझा? कॉलेज आने से पहले अगर फोन कर देती तो हम लोग रिसीव करने आ जाते। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज में हर कोई नंबर ही लोफर है। अरे ये क्या यादव, तूने उससे आइसक्रीम बेचने वाली गाड़ी भी छीन ली? अरे हमने कहा छीन ली भाई, उसी ने हमको थमा दिया। आइसक्रीम उस लल्लू में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कॉलेज में नई लड़की आई है। आइसक्रीम लड़की? वो लड़की सुंदर तो बहुत है लेकिन बैकग्राउंड बैड है। आइसक्रीम बैक बैड है? अरे बैक नहीं जी। फिर वो लड़की शेषनाग शंकर की बहन है। अरे शेषनाग शंकर की बहन को हमारे बारे में नहीं बताया? बिल्कुल बताया, तुमको भी बुलाया। आइसक्रीम मुझे भी बुलाया, अब क्या होगा? सर यहाँ शेषनाग शंकर की बहन ने मुझे बुलाया है। क्या? शेषनाग शंकर की बहन का बुलावा आया है। हाँ? शेषनाग शंकर की बहन ने मुझे बुलाया है। रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहरा नहीं हूँ। नहीं नहीं। क्यों? उस दिन मुझे धक्का देकर बाहर किया था तब तुमने नहीं सोचा? वो आपका बैकग्राउंड मालूम नहीं था ना मुझे। बैकग्राउंड जान के क्या? बैकग्राउंड जानते तो क्या करते? ठीक है अंदर जाओ, चुपचाप अंदर जाओ, दैट्स इट। नमस्ते मैडम, मेरा नाम चंदू है, आपने मुझे बुलाया क्या? तुम ही हो, आ गया बैठो। अरे लेकिन तुम बड़े गुंडे हो क्या? देखो अब मैं यहीं रहूंगी, कॉलेज में अगर गुंडागर्दी तुमने की तो खाल खींच लूंगी। तुम्हें वार्निंग देने के लिए बुलाया है, अब जाओ। अरे जाते क्यों नहीं हो? क्या है यहाँ, कब से तेरा नाटक देख रहा हूँ मैं, जाओ जाओ कह के बहुत उछल कूद कर रही हूँ। जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हो? शेषनाग शंकर की बहन हूँ। शेषनाग शंकर की बहन हो? बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं बड़े गुंडे की बहन से प्यार करके उससे शादी करूं, जिससे वो यानी तेरा भाई परेशान होकर मेरा पीछा करेगा, फिर फाइट्स होगी, लफड़े होंगे, वाला मजा आ जाएगा। तेरे भाई को तो कभी नहीं देखा, पर तू तो बड़ी कमाल की चीज है। ऐसे घूर कर देखोगे तो मेरा भाई तुम्हारी आंखें निकालेगा। घूरने से मेरी आंखें निकालेगा? तो मैंने फेस देख लिया, मैंने बैक देख लिया, और अब फ्रंट भी देख लो, मेरी आंखें तो नहीं गई ऊपर वाले? तूने तो कमाल कर दिया। क्या फिगर है, क्या कमाल है, टक्का टक। डोंट टच मी। ए टच करूंगा तो क्या हाथ भी तुड़वा दोगी? उसके बाद बिना हाथों के तो मेरा जीना बेकार हो जाएगा, इससे तो अच्छा होगा कि मौत को गले लगा लूं मैं। तो एक बार लास्ट टाइम वाले बंद कर लो, कोई देखेगा नहीं। यही यही सुनने के लिए मैं कब से नाटक कर रहा था, क्योंकि मैं ये बात पहले से जानता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी तुम एक लड़की को इतना परेशान क्यों कर रहे थे? तुम लड़की हो? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? देखो मेरे बुलबुल, अगर तुम्हें कॉलेज में रहना है तो ये बेकार के काम छोड़ो, पढ़ाई में मन लगाओ, समझ गए ना? अब जाओ स्वीटर, जाओ। हे ऐसे घूरती क्या है? हाँ पलक झपकने से पहले तुम और तुम्हारी चमचा यहाँ से दफा हो जाओ, वरना यही तांडव करवाऊंगा। One, two, three.
सर, एक मौका आपको मुझे भी देना पड़ेगा, मैं भी चला जाऊंगा, प्लीज सर। अब इस घोंचू का क्या करें? अरे तो हम पर छोड़ दो, आइसन घंटी बजाऊंगा कि घंटियां बजाता फिरेगा। इसके ऊपर मत छोड़िए सर। बहना, मैंने तुम पर भरोसा किया तो उसने मेरा बैंड बजा दिया। इससे पहले तो मैं आइसक्रीम बेचता था, अब तो वो भी नहीं रही। इतनी बेइज्जती हुई, माफ करो बहना। बेइज्जती तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी हुई है। देखो, गुंडों को नहीं जानती, पुलिस वालों को मैं जानती हूँ। अब पुलिस भी? देखो मुझे छोड़ो, इन लोगों ने तो पीट कर अधमरा ही किया है, पुलिस वाले तो मार मार के रोड पे फेंक देंगे। मुझे अनाथों की मौत नहीं मरना। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उस चंदू को कैसे सबक सिखाना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। हेलो पिंकी, इंदु बोल रही हूँ, डैडी से बात करवाओगी? डैडी से क्यों? कौन है बेटी? इंदु दीदी। क्या काम है? हमारे कॉलेज में मुझे एक गुंडा बहुत सता रहा है, तुम्हारे डैडी से बोल के उसे मजा चखाना है। कॉलेज का गुंडा है? डैडी उसे मजा चखाने के बजाय गोली से उड़ा देंगे। अरे अरे, वो सब नहीं। ऐसे केसेस में मेरे चाचू ठीक रहेंगे। अच्छा, तो फोन चाचू को दो। पिंकी, स्कोर क्या हुआ? 13-15। मेरे चाचू बहुत बिजी है, मैं उनको बाद में बताऊंगी, उनका नंबर नोट कर लो। ठीक है, बोलो। 9947-5799। हेलो। हेलो जी, मैं पिंकी की फ्रेंड बोल रही हूँ। मिस कॉल वाली, बोलो क्या बात है? सॉरी, उस दिन थोड़ा मैं पागलों की तरह पेश आई थी। इट्स ओके ओके, पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंटली सुना है कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई हो, क्या बात है? बात यह है, कोई एक बहुत बड़ा गुंडा मुझे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा बोल के धमकी देता है। ऐसा वैसा क्या करेगा? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। आप अगर उसके ख्याल लें तो मजा आ जाएगा। मुझे आना है। हाँ जी। कहाँ पे आना होगा? वो, हाँ बोलिए। 1 मिनट जी, टाइम पर मिल गया। हाय। फोन पर कौन है? फ्रेंड। फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? नहीं, ओनली फ्रेंड। क्या कॉलेज में अभी भी दादागिरी चल रही है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। वैसे घर जाकर मैंने खूब सोचा, आपने जो कहा था ठीक था, लड़कियों को हमेशा सॉफ्ट बिहेव करना चाहिए, तभी तो मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। फ्रेंडशिप? हाँ फ्रेंडशिप। आपको झूपा आना होगा, मेरी तरफ से दावत है, आप आएंगे ना वहाँ पर? ओके ठीक है, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सॉरी जी, थोड़ी देर पहले एक पागल से सामना करना पड़ा। मुझे भी यहाँ एक पगली से सामना करना पड़ा, तुम बोलो। तो कर जू पार्क में मिलते हैं? जू पार्क में? ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं पहुँच जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू जी। क्यों बहना, चंदू को पिटवाने का प्रोग्राम है क्या? यस। इस बार तुम छोड़ दोगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। जंग भरे इस चाकू से मारोगे? मुझे ज्यादा तजुर्बा तो नहीं है, पर इधर उधर लग गया तो सेप्टिक से तो मर ही जाएगा। ये क्या इंदु, पार्क लाकर फ्रेंडशिप का वास्ता देकर यू खामोश बेंच पर बैठी हुई हो। चंदू। बोलो इंदु। मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक ले आओगे? मुझे भी प्यास लगी है, इसी का तो इंतजार था। बहना, मैं तैयार हूँ। गुड। अपने फ्रेंड को फोन लगाओ। ये पिंकी की फ्रेंड कहाँ है, कैसे पता चलेगा? हेलो, मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा था, कहाँ है आप? मैं तो जू पार्क में ही हूँ। इसी पार्क में? कहाँ है? कैंटीन के बगल में लेफ्ट साइड के मैदान में बेंच पर बैठी हूँ। लेफ्ट साइड पर? हाँ जी। वैसे ड्रेस कौन सा पहना है आपने? ब्लैक टॉप पिंक स्कर्ट। और बगल में कौन है? अगर अभी नहीं दिखता तो मेरी बगल में एक गोल मोटा बैठा है। वही जो गिलहरी पकड़ने वाले शक्ल जैसे, वही ना? हाँ एग्जैक्टली। क्या फरमा रहे हैं वो? गिलहरी पकड़ने वाला कहा? गिलहरी पकड़ने वाला। ओके, स्टैंड अप, सिट डाउन। अरे बाप रे, यानी पिंकी की फ्रेंड और तुम दोनों एक हो? हेलो। मुझे बुला के मुझसे पिटवाने की सोची? वाह, कमाल का प्लान बनाया तुमने, अभी तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ाता हूँ। हेलो। मतलब उसकी खूब पिटाई करनी है ना? आप तुरंत आ जाइए ना। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ अगर वो मुझे यहाँ देखेगा तो तुम्हें कॉलेज में बहुत परेशान करेगा। एक काम करो, राइट साइड में तुम्हें वो घने पेड़ दिख रहे हैं? घने पेड़? उसे किसी तरह बातों में लगाकर वहाँ पर भेज दो, मैं वहाँ उसका भरता बना दूंगा। थोड़ा मार के छोड़ दीजिए या बस वार्निंग दीजिए, ठीक है? कमाल करती हो बहना, वार्निंग से काम नहीं चलेगा। तुम बस उस आदमी को पकड़ के रखो, मैं इस जंग भरे चाकू को खचा खचा करके घुसेड़ दूंगा। पकड़ूंगा तो घुसेड़ दोगे? हाँ। अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद एक लड़की ने आके, अच्छा, आके मुझे बाहों में ले लिया, फिर उसने मेरे, फिर उसने मेरे गालों को पकड़ा और चूटी भी मारी। गालों को भी पकड़ा उसने? फिर उसने
झूठे अल्फाज भी कहे मुझसे। तुम कब से उस तरफ क्यों देख रही हो? वो घने पेड़ों के पीछे गया है क्या? हाँ। लाल पीली लड़की देख के गले लगाता है उसे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे घुसेड़ दोगे पूरा? यस घुसेड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक बार जो मैं ठान लूं वो करके रहता हूँ। हे, तुम हमारी पिंकी की फ्रेंड को सताते हो? सर वो लड़की हमारे कॉलेज में नहीं आई है ना, इसीलिए। वैसे उसे कुछ मालूम नहीं, मुझे छोड़िए। छोड़ना मत उसे, मैं आ रहा हूँ जंग लगे चाकू के साथ। सर प्लीज सर माफ कर दीजिए सर। तू क्या कॉलेज का बड़ा दादा है? तुमने इंदु को ऐसा करूंगा वैसा करूंगा क्यों बोला? सर मुझे पागल कुत्ते ने काटा, तभी तो उस लड़की के लाल लाल सेब जैसे गालों पर मर मिटा और कॉलेज में धाक जमाने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए सर। अब समझ में आया, तुम अकेले ही डबल रोल की एक्टिंग करके लड़की को धोखा दे रहे हो। अभी बताता हूँ उसे। क्या समझता है रे तू? अभी फोन पर क्या बोल रहा था? क्या बोला था सर? मुझे इस चाकू से मारेगा? इस चाकू से मारूंगा बोला था मैंने। कैसे मारेगा? खचक खचक खचक। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा सर। तो फिर खुद को इतना 30 मार का क्यों समझ रहे हो? चलो नहीं समझता सर। तैरना जानते हो? तैरने का इससे क्या संबंध? नजदीकी संबंध है, चारों तरफ कुछ सुनाई दे रहा है। कल 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 पानी की आवाज सुनाई दे रही है। सुनते रहो ध्यान से। क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? क्या हुआ उन्हें? होना क्या था? मुझे मारने आया तो मैंने उसे पानी में धकेल दिया। और क्या, तैरना आता होगा तो बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। चलो चलो। लाइट काफी है ना भाई? तुम तो कमाल हो, तुम जरूर साइंटिस्ट बनोगे। कोई प्रयोग वगैरह करना हो तो बोलो, मैं स्पॉन्सर करूंगा। थैंक्स भाई। हेलो, आप खेलते नहीं है ना? हेलो हेलो आंटी, मैं हूँ इंदु। आप कैसी हैं? अरे मैं कहाँ ठीक हूँ, अब भी खाना हुआ है। खाना हुआ मतलब बना है, मगर किसी ने खाया नहीं है, बस रो रहे हैं सब। हाँ, क्यों आंटी? अब तुम्हें क्या बताओ बेटी, चंदू अब तक घर नहीं पहुँचा, जमाना बहुत खराब है। अरे गड़बड़ हो गई, मेरा बेटा यूं ही लंबा चौड़ा है, गबरू जवान है, कहीं लड़की के प्यार में फंस के पूरी जिंदगी प्यार में डूब जाएगा तो कैसे तैर के आएगा बाहर मेरा बेटा? तैरना नहीं आता? वो कुछ भी नहीं जानता बेटी। पिंकी से बात करेगी? रुको रुको। नहीं आंटी, मैं कल बात करूंगी। भगवान दया करो, पिंकी के चाचू को क्या हुआ कुछ पता नहीं, और वो बर्मा भी पता नहीं कहाँ गायब है। क्या हुआ बर्मा? बर्मा कल से कहाँ गायब हो? वैसे सब ठीक तो है ना? ये क्या बिना बात के यूं मौन व्रत धारण किया है? तुमने कहीं मेरे दोस्त को मार तो नहीं दिया? लगता है बेचारे की जुबान चली गई, जरा लिख के बताओ ना। बड़ी इंग्लिश में बड़बड़ाते रहते थे, अब तो जबान ही नहीं खुलती। चंदू वहाँ है देखो। चलो चलो चलो। अबे सुन यार, इस कॉलेज में सभी बहन जी नजर आती हैं, कोई मस्त माल नजर ही नहीं आता। माल की बात छोड़, सामने तो खजाना है। जॉकी का पहना कि टॉमी का? चुप कर। ए बेबी, तेरी पैंट किस कंपनी की है? व्हाट? ठीक है मैं ही देख लेता हूँ। वहाँ देखो एक और मर्डर होने वाला है, चंदू इसे भी मार डालेगा। अनजाने में गलती हो सकती है लेकिन जानबूझ के गलती नहीं होनी। ए, हमारे मामले में दखल मत दो, लफड़ा होगा। लफड़ा कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होगा पता है? इधर उधर क्या देखता है? मैं बताता हूँ। मेरे चुप रहने पर भी बाहर ये जो खून निकल रहा है वो अंदर भी खूब उबल रहा है। वो मुझे ताकत दे के मुट्ठी में आकर बरसेगा तो क्या हश्र होगा तुम लोगों का देखो। यहाँ इतना कुछ हो रहा है और चुप रहने के लिए ये जंगल तो नहीं है ना? डेफिनेटली कोई ना कोई फ्री होगा और 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला ही लिया होगा। ओह,
यही होगा मैं समझता हूँ। कुछ और करने की सोच रहे हो तो बताओ, फैसला कर लेते। नहीं नहीं। अच्छा तो दीदी को सॉरी बोलो। ए, तुम सॉरी मत बोलना, वो तुम्हारी ही बातों से भड़का रहा है। अब देख। ए, उसके हाथ नहीं लाठी है, पड़ेगी तो। तू अब तक सपना देख रहा था क्या? रुक, मेरा कमाल देख। अरे बोला था ना तेरे को, भैया माफ कर दो। अरे चल, माफ कर दो। अरे चल जल्दी। एक बात बोलूं, कॉलेज में इतनी लड़कियां होते हुए इन्होंने सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही कमेंट क्यों किया? ये बात तुम्हें घर से निकलने से पहले सोचनी चाहिए, हम कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं या कैबरे कर रहे हैं। अब तुम समझ गई ना कि चंदू हर केस को डील करना बखूबी जानता है, और तुम वर्मा की बातों में आकर इसे गलत समझ बैठी। कल उन पेड़ों के पीछे क्या हुआ था, क्या चंदू से पूछा तुमने? चंदू, चंदू जी। क्या है इंदु? आपने इस लड़की को तो छोड़ दिया, फिर मेरे दोस्त को पानी में क्यों धकेला? वो क्या तुम्हारा दोस्त था? हाँ जी, वैसे मैं एक बड़ी फूल हूँ। मैंने पहले आपको गलत समझा और उन्हें उकसा के तुम्हें मारने भेजा था। क्या हुआ उसका वैसे कुछ पता नहीं चला। उसकी फैमिली बहुत परेशान है, बेचारे कल से एक बार भी नहीं दिखाई दिए। उसे कुछ नहीं हुआ होगा, तुम पहले रोना बंद करो, उसे फोन करो। 100 बार फोन ट्राई किया लेकिन वो पिकअप ही नहीं कर रहा। अब करो, पिकअप करेगा। हेलो। हेलो। हाँ कौन है? मैं इंदु हूँ, आप जिंदा हैं क्या? क्यों, मुझे मारने का इरादा है क्या? वैसे भगवान की दया से मैं बच के बाहर आ गया हूँ। भगवान की कृपा है। वैसे आपको चोट तो नहीं आई? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस बदन पूरा चूर चूर हो गया है, बाकी सब ठीक है। आप मुझे माफी कीजिए, अब तो ना आपकी दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी। हेलो। चंदू, अरे वो जिंदा है। अच्छा, लेकिन बेचारा बड़ा अपसेट हो गया है, जरा मैं एक बार उसके घर जाकर आती। ये बात है, मैं भी चलता हूँ। तुम? हाँ? तुम क्यों? नहीं नहीं नहीं, उसका भाई पुलिस ऑफिसर है, तुम्हें देख के गुस्सा आ गया तो परेशानी होगी। ये सब मेरी वजह से हुआ ना। हाँ? तो वहाँ जाके सॉरी बोल दूंगा। तुम्हारा आना ठीक रहेगा? अरे घबराओ मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये क्या, तुम इसे अपना घर समझ रहे हो? सॉरी। देखो ये लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ मैं, समझे? इस परिवार की बड़ी तारीफ कर रही थी इसलिए जरा इंप्रेस। ओवर एक्टिंग छोड़ो। ये क्यों? मैंने साथ चलने को कहा था। ठीक है। चिपक के चलने को नहीं, पीछे रहो, अब जाओ भी। ओके, बैक को तो बैक, फ्रंट को तो फ्रंट। चंदू क्यों नहीं आया अब तक? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। बाप रे, बैक बैक ही बेटर है। हाय दीदी। इंदु। माँ जी, मैंने बताया था ना हम ट्रेन में मिले। हाँ इंदु। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते। पीछे कौन है? मेरा रिश्तेदार है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते जी, आइए अंदर चलिए। घर तो बड़ा सोच समझ के बनवाया है। हाँ हाँ, वो तो बस यूं ही बन गया। आंटी बहुत भूख लगी है, क्या घर में लड्डू मट्ठी वगैरह है खाने के लिए? अरे ये सब तो हमेशा रहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या ना कि आप भी मुझ जैसे खाते पीते लोग हैं ना, तो वही होगा घर में। हाँ लेके आती हूँ, बैठो। आप लोग बैठिए ना। आइए। हेलो इंदु के रिश्तेदार जी, ये लो। हाय पिंकी। हाय दीदी। इंदु शर्माओ मत, खाओ ना। कविता। हाय। हाय इंदु, तुम यहाँ कैसे? सुनिए, ये इंदु के रिश्तेदार है। ये इसको तो मैंने परसों ईव टीजिंग के केस में पकड़ा था। हाँ, लेकिन अब ये सुधर गए हैं। सॉरी सॉरी, बैठो बैठो। ये क्या ओवर एक्टिंग करने लगे? क्या किया मैंने? हम यहाँ क्यों आए और तुम क्या कर रहे हो? अरे सुनो, छोटू कहाँ है? इन्हें भी इसी वक्त आना था। अच्छा तो तुम यहाँ पर बैठे हो? क्यों बेटा, तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा है क्या? इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए पैसे दिए थे, वो भी खर्च कर डाले। डैडी आप थोड़ा सा, तुम भी इसमें मत बोलो। तुम्हारे इसी लॉर्ड प्यार ने इसको इतना बड़ा गधा बनाया है। अरे मैं गधा हूँ तो आप गधे के बाप हो, मैं भैया की वजह से चुपचाप रहता हूँ, आज फैसला हो जाने दो। भिखारी के जैसे 300 देके 3 करोड़ दिए जैसे बर्ताव कर रहे हो? अरे तुम्हें तो पैसों की कदर ही नहीं है, यूं ही छोड़ दिया तो करोड़ों का नुकसान होगा। बड़े आए जमींदार की औलाद, जैसे पूरी जमींदारी मैं हड़प कर जाऊंगा। घर में कोई लेडीज आई है देखते नहीं? अरे घर में तो लेडीज रहती है कोई नहीं। ये नई लेडी कौन है? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, चंदू की फ्रेंड। अरे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आपने बताने का मौका कहाँ दिया। सॉरी बेटा, बुरा मत मानना, हम लोग बस यूं ही प्यार मोहब्बत में लड़ते झगड़ते, वी फादर एंड सन्स दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं। फादर एंड सन, ये है मेरी फैमिली, यानी हमारी फैमिली।
पल पल प्यार बरसता ऐसा ये घर है मेरा। यहाँ सबके आँखों में कितना है प्यार भरा। एक दूसरे के दिल में रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख सहते हैं। सबसे अच्छा इस दुनिया में सबसे प्यारा अपना बसेरा। पल पल प्यार बरसता ऐसा ये घर है मेरा। यहाँ सबकी आँखों में कितना है प्यार भरा। हर खुशी नाचे है जिंदगी, इसको लगे किसी की ना बुरी नजर कभी। खुशियों को बांट के जीते हैं हम यहाँ, एक दूसरे के आंसू मिलके पिए यहाँ। सबको सबकी चिंता है, हर रिश्तों हर पल रहता है आंगन में सवेरा। पल पल प्यार बरसता ऐसा ये घर है मेरा। यहाँ सबकी आंखों में कितना है प्यार भरा। ये खबर खुशियों की है लहर, मेहमान एक नया है आने वाला अपने घर। सपने हुए जवां सच हो गए यहाँ, अपनी है ये जमीन भी अपना है आसमां। कोई किसी से रुके ना, साथ ये बिखरे कभी ना ये प्यार हमारा। पल पल प्यार बरसता ऐसा ये घर है मेरा। यहाँ सबकी आंखों में कितना है प्यार भरा। मेरे अंगने में इसी की मूर्ति बनानी है। कौन तुम? आई एम मुन्ना। मुन्ना मतलब? ये प्यार से सब मुझे ऐसे ही बुलाते हैं, मैं बड़ा खानदानी हूँ। ओ तुम? हाँ। ठीक है, मूर्ति बनाने का क्या लोगे? 150,000 रूपए। 150,000? ये तो गिर गया, सोडा डालो। ठीक हो भाई, 5 रूपए का नुकसान करोगे। तो गिरे क्यों भाई? ऐसे बहुत ज्यादा बोले ना। 5 अंगों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अरे कैसे 5? हाँ। बताओ। सिर 1, गर्दन 2, छाती 3। समझ गया। किसकी मूर्ति बनानी है? मेरे बाबा की। हाथ उठाओ। हाँ तो बताओ किसकी मूर्ति बनानी है? ये हाथ उठाओ। लगता है 2 दिन से नहाया नहीं है। पैर उठाओ। ये वाला पैर उठाओ। अरे क्या मजाक है, गिर जाएंगे ना। मैं हूँ ना, ये वाला पैर नीचे रख के वो उठाओ। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, ये उठाओ। ट्रिट, ट्रिट। नाप आप तो ले लिया मैंने। चलो जाओ वहाँ जाके पोज दो, अब शक्ल बनाते हैं। बाबा इस पे चढ़ जाओ। 37, 38। गुरु जी ये पोज ठीक है ना? ये क्या, खुद को छत्रपति शिवाजी समझते हो? मांस काटने वाले लगते हो, तलवार हटाओ। ये लो बाबा। गुरुजी ये पोज ठीक लगता है। कौन सा पोज? क्या अपने आप को भगवान राम समझते हो? पूरे जंगली लगते हो, फेंको तीर का मान, बेकार के पोज देते हो। फिर क्या करे? मेरा एक आइडिया है। हाँ? बैठने को कहो। मूर्ति क्या बैठी होती है? वही तो खासियत है मेरी। तुम बैठ जाओ बाबा।
चुरुट दो इनको। अरे बैठ चुरुट। हाँ। ये लो बाबा पकड़ो। हाँ? अब तो लोटा भी चाहिए। हाँ, लोटा लोटा भी रखो, अच्छा लगेगा। अभी रख दिया। थोड़ा राइट राइट। हाँ ठीक है। ये पोज कमाल है। मेरा काम तो हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा है, ये क्या काम करते हैं? शेषनाग शंकर का नाम सुना है तूने? उस गुंडे को यहाँ क्यों याद करते हो? ये वही है। दे तो तलवार। बाबा क्या बोला? माफ कर दो सरकार, इसको मेरा फोटो दे दे, अगर मूर्ति ठीक नहीं बनी तो तुहार सर उड़ा दूंगा। हाँ अब बताओ मूर्ति बनाने का कितना लेगा? मुझे कोई पैसे से नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले तो मांग रहा था। एक नारियल दे देना, उसी में काम चला लूंगा। ना बात, चल भाग काम पूरा कर। जा मूर्ति बना, मूर्ति बना। अभी अभी काम शुरू कर दूंगा। हाँ एक मिनट प्लीज। हेलो भरत बोल रहा हूँ सर। मवालियों की लिस्ट में से वीरेंद्र हमको मिल गया है। वेरी गुड। इस वक्त कहाँ हैं आप? मैं वाशी चेक नाका से एंटर कर रहा हूँ सर। कहाँ लाना है उसे? ऑफिस ले आओ, मैं फौरन पहुँचता हूँ। ओके सर। जरा मुझे जरूरी काम है, तुम चंदू के साथ हॉस्पिटल चले जाओ, यही कहेंगे ना। राव साहब क्या बात है सर, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। शंकर ने चेतन को मारने के लिए जिन गुंडों को भेजा था ना राव साहब, उसमें से एक हमारे हाथ लगा है। उसकी धुलाई करके सच उगलवा के हम सबूत हासिल करेंगे तो शंकर का चैप्टर क्लोज। बोस साहब कब आएंगे? अभी समय है उनको आने में। मतलब अभी जल्दी नहीं आएंगे? नहीं। जल्दी चल, जल्दी चल, बोस साहब आ गए। सॉरी सर, पुलिस स्टेशन के सामने अटैक करेंगे ऐसा सोचा भी नहीं था। बंदे साइन कर बे, तुम्हारी जगह मिल गई समझो। जा भाई। क्यों बे, काम हुआ ना? मार डाला भाई, लेकिन वो बोसा वहां धमके, मेरा चाकू वहीं पे छूट गया, वो यहीं पे आ रहे हैं। मैं कितनी बार समझाया तेरे को कि मर्डर करने से पहले ब्लाउज पहन लिया कर। माफ कर दो भाई, किसी तरह बचा लो भाई। तेरी किस्मत में जेल नहीं बे, टेंशन मत ले, चलो भूल जा सब कुछ। ए, इसे गन्ने का रस दो, इसी हाथ से मारा था ना। भाई आइए बॉस साहब, जल्दी बहुत थी ससुरे को। गन्ने का रस पीने के लिए इसने मशीन में गन्ने की जगह अपना हाथ ही डाल दिया। उल्टी सीधी जगहों पर हाथ डालने से ऐसा ही होता है। आप अंगूठे का निशान लेने आए थे ना? इसका तो हाथ ही नहीं बचा है। आगे बढ़े तो अगली गोली खोपड़ी पे मारूंगा। बोस क्या कर रहे हो तुम? अरेस्ट कर रहा हूं सर। लेकिन किस जुर्म में? इसने एक मर्डर केस के सबूत को खत्म करने की कोशिश की है। क्या तुम प्रूव कर सकते हो? करूंगा, इसका और इसके पीछे जो लोग हैं उन सब का पर्दाफाश करूंगा। हेलो सर, नमस्ते, मैं डीआईजी बोल रहा हूं सर। बोस शंकर को अरेस्ट कर रहा है। होम मिनिस्टर बात करो। सर ओके सर। ए शंकर आओ चले। ये क्या सर, उसको ऐसे ही छोड़ दिया? डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं ये जानने के लिए तो ये खेल खेला है। अब तो समझो चोर घर में ही मौजूद है, एक एक को खत्म करते जाएंगे तभी जुल्म खत्म होगा। ए ये यही रुको। अरे ये क्या, यहाँ क्यों उतर रही हो? घर बताओ ना, वहीं छोड़ देता हूँ। यही तो मेरा घर है। क्या ये तुम्हारा घर है? तब तो कार में आ सकते हो, स्कूटी क्यों? सिंपल रहना मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे पसंद करने वाले लोग चाहिए, ना कि मेरी हैसियत को। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम। चलो अंदर चाय पीकर जाओ। दोबारा आऊंगा तो चाय पीकर जाऊंगा। ओके बाय। अरे क्यों भाई, हिसाब किताब लगा लिया? 10-15 करोड़ की आसामी तो है ही, चलो 50 की समझ लो, ठीक है ना? हम जैसे लड़कियों के बाप जिंदगी भर मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं, और हमारे बच्चों को तुम जैसे लौंडे 4-5 महीनों में ही हत्याने की सोचते हो। बढ़िया पर्सनालिटी है, बाइक भी और पेट्रोल तो होगा, यही है तुम्हारी कमाई? मेरे ख्याल से आप इंदु के पिता हैं। ओह छोकरा बड़ा अकलमंद है। ठीक है, जब बात निकले तो आपको बोल दूं, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, लेकिन आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है ये नहीं पता। इंदु मुझसे ना मिले इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं।
पिता के रूप में आपका हक बनता है, लेकिन एक बार आपकी बेटी ने मुझे आई लव यू बोल दिया, फिर आप ही क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ऑल द बेस्ट। वाह क्या जनरेशन है। वैसे लड़के की बातों में मुझे कुछ गलत नहीं लगा, क्यों आप टेंशन लेते हैं सर? आप अंदर जाकर बेटी से जरा प्यार से पूछिए, कॉलेज से घर कब आई, कैसे आई, जाकर पूछिए। सच बताएगी तो अच्छा है, झूठ बोलेगी तो सोचिए कुछ गड़बड़ है। हेलो बेटी। हाय डैडी। आइए। बाहर स्कूटी नहीं है बेटी। जी ठीक होने गई है। फिर कॉलेज से घर तक तुम कैसे आई? फ्रेंड ने ड्रॉप किया। अब तक तो सब सही जा रहा है। फ्रेंड मतलब? चंदू, वही माँ जिसकी फैमिली हमें ट्रेन में मिली थी। चंदू। अच्छा वो लड़का क्या? तो अंदर ले आती उसे। देखो बेटी, ये प्यार व्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होती है, हमें संभल के रहना चाहिए इन मामलों में। सर, शंकर के तमाम इलीगल बिजनेस के डिटेल्स इसमें मौजूद है। शूटर्स को हमने बुलवाया था ना बाबा, उसे बोस ने बीच रोड पर बुरी तरह भून डाला। अपना डीआईजी क्या कर रहा है? उसने हाथ पर दोनों उठा लिए। इस बोस को रोकने वाला कोई नहीं है क्या? बिल्कुल है, मैं हूँ ना बाबा। मैं उस बोस को तुम्हारी तरह हिंसा से नहीं, गांधी जी की तरह हिंसा से मारूंगा। उसके हाथों से नींबू का रस पी के वापस लौटूंगा बाबा। अरे नलायको, मुझे यूं छोड़ के क्यों भागते हो? सर जी मुझे प्यास लगी है। ए वाटर बॉटल लेके आओ। थैंक्स सर जी, वाटर प्लीज। सर जी मैं यहीं पे मर जाऊंगा, कुछ खाने को मंगवाइए ना। ए, बिरयानी लाओ इनके लिए। हाँ सर, जेंटलमैन है। सर आपको चिकन फिश मिला ना? इनको मारने के लिए थोड़ा ही पिस्तौल लगाया था। नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तो दे दो फिर। ये लीजिए सर। अब ठीक है सर। जिंदाबाद, मरने तक भूख हड़ताल, जिंदाबाद सर। हाँ बोलो। भूख हड़ताल बहुत महान लोग करते हैं सर। मतलब जाने भी नहीं तू यहाँ पर बैठ गया। अरे सभी बैठते हैं, इसलिए मैं भी बैठ गया। अब तुझे मरते दम तक कुछ भी नहीं खाना। एसीपी बोस ने बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य निभाया, बिना कोई मुसीबत आए शहर के बहुत सारे गुंडे मवालियों का नामो निशान मिटा दिया। देखा तुम लोगों ने? बोस बोस बोस, आज उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्लोज करवाया तो कल को मेरी बैंक पर छापा मारेगा, इस टेंशन में मरा जा रहा हूं। कहना क्या चाहते हो? मुझे परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपने जो 100 करोड़ रुपए लिए बैंक से वापस कर दीजिए। मैं दिल्ली जा रहा हूं और मेरे वापस आने तक पूरा पैसा तैयार रखिए। आप घबराइए मत, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। शंकर तुम पैसा नहीं देके कोई एक्शन लोगे तो तुम खुद फंस जाओगे। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। नमस्ते सर। क्या सचमुच वो 100 करोड़ वापस करने पड़ेंगे? ए बाबा, उसने कुछ इंतजाम किया होगा, अगर उसे मारेंगे तो हम भी मरेंगे। कौन बोला हम उसको मारेंगे? फिर वो तो ससुरा हार्ट अटैक से मरेगा। बस सोचने से ही उसको हार्ट अटैक आएगा क्या? हमारी निगाह में एक ऐसा आदमी है जो जब चाहे हार्ट अटैक करवा सकता है। ए, हमारे शंकर बाबा ने तेरे को याद किया है। तेरे को एक मिनट में आता हूं। मिनट मिनट नहीं चलेगा, चल इसी वक्त। ए एक बार बोलने Oh!
ए, मैं बताना भूल गया, तुम जरा संभल के डील करना उससे, वो मेंटल केस है। मेंटल है? ये बात यहाँ आने से पहले बतानी थी ना। तो चले सर। देख भाई, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे लिए काम आया है, वो मेरे तरीके से होने वाला नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, तुमको ही करना पड़ेगा। तुम्हारी बात कभी टाली है भाई? नमस्ते सर। तुम कौन हो? मैं आपके ड्राइवर का साला हूँ। वो कहाँ चला गया? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे भेजा है। ठीक है, चलो। सीट बेल्ट पहन लीजिए सर। गुड, आई लाइक योर सिंसियरिटी। मैं बोर हो रहा हूँ, म्यूजिक चलाओ। भगवत गीता सुनाई पड़ा गया समझो। शंकर, क्या डिसाइड किया? चुप बाबा। पैसा तो तैयार है, अपने आदमी के साथ भेजूं? मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, मैं खुद आऊंगा। हेलो हेलो चेयरमैन, हेलो 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 चेयरमैन, हेलो 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 चेयरमैन, क्या हुआ? बैंक चेयरमैन का हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। क्या हुआ बाबा? बैंक चेयरमैन का किस्सा खत्म। चलो चलो हटो हटो यहां से। गुडविल बैंक का चेयरमैन है सर। कार भी कहीं से डैमेज नहीं हुई है सर। हार्ट अटैक हो सकता है, तुम लोग कंट्रोल रूम में फोन नहीं कर सकते थे? किसी में सिविक सेंस ही नहीं। हैप्पी डेथ डे चेयरमैन। चलो हाथ हटा, सुबह का तो मार डालूंगा, सुबह का नाश्ता ये लो ब्लैंक चेक, अमाउंट अपनी मर्जी से भर लो। रहने दो। ठीक है, कांदीवली में जमीन ले ले। नहीं भाई। आहा, जा पहले एंजॉय कर, तेरे लिए मंगाई है। हाय शेफी, यू आर सो उदास। 5,000 का नुकसान। क्या हुआ तुझे? हैं? फिर क्या चाहिए? इंदु। भाई मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे इंदु चाहिए, इंदु से मेरी शादी करवाओ। हाँ भाई हाँ, मुझे इंदु चाहिए। रिलैक्स। Hey, उसका बाप कितनी बड़ी हैसियत वाला क्यों ना हो, उठा लाओ उसे। अरे रुको यार। बाबा कल आपकी मूर्ति ओपनिंग का फंक्शन है, फिर दो फंक्शन क्यों खर्चा बढ़ेगा? मेरी बात मानो, कल फंक्शन भी और शादी भी। भाई कल हमारी मूर्ति ओपनिंग का फंक्शन है और रात को काव्या चंदू कॉलेज आया क्या? नहीं आया यार, तुम घंटों उसका इंतजार करती हो, फिर जब वो आता है तो चुपचाप चली जाती हो। आज तो उसे आई लव यू बोल ही देना। लव एट फर्स्ट साइट होने से एक्सप्रेस करना बड़ा आसान है, लेकिन चंदू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तभी तो टेंशन है मुझे। तो एक काम कर, उसे सीधे बोल नहीं सकते तो फोन कर दे। हेलो 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 इंदु, बोलो। कहाँ हो तुम? इस वक्त कॉलेज के पास ही हूँ, और तुम? मैं कॉलेज में हूँ। ठीक है, फोन बंद करो, मैं आ रहा हूँ। नहीं तुम वहीं रुको, तुम मेरे सामने होते हो तो मैं बोल नहीं पाती। कोई इम्पोर्टेंट बात है क्या? कोई मदद चाहिए? वो बात नहीं। तो फिर बात क्या, वो तो बताओ इंदु। चंदू बोलो। चंदू हेलो, तुमने क्या बोला? तो सुनाई नहीं दिया, यहाँ बहुत ट्रैफिक है। जान बुझ कैसा कर रहे हो? प्रॉमिस इंदु, कसम से सुनाई नहीं दिया। चंदू हाँ, आई लव यू। चंदू कुछ कहो ना। हेलो 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 इंदु,
ओ मैडम देखिए ना ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए हैं, आप कुछ कहिए ना। सॉरी सॉरी, हमरे धंधे में कोई रिश्ता वगैरह नहीं होता। ए, अंदर ले जाओ इसको। ए, देखो जनता हमारी खुशी में कैसे उछल कूद कर रही है। अरे खुशी से नहीं बाबा, ऐसा लग रहा है कोई घुसे मार के उड़ा रहा है। बहुत मस्ती है तुझमें, कौन है बे तू और क्या लगता है तू इसका? ये छोटा सा लॉजिक भी नहीं समझता है तो कैसा गुंडा है? पब्लिक लिए एक लड़की को उठा लाने से पहले कौन कौन उसे बचाने आएगा ये भी नहीं सोचा? और आसपास के लोग उसे देख के बेचारी कहेंगे और चुप हो जाएंगे। वही लड़की के माता पिता भाई कोई हो तो बीच में आकर रोकने की कोशिश करता, अगर फ्रेंड होता तो दो चार घूंसे लात खा लेता, लेकिन वो कोई तेरा प्रॉब्लम नहीं है। जब इस लड़की का कोई लवर पहुंच जाए तो उस लवर की पावर क्या होती है वो तुमको अभी पता चल जाएगा, चाहे वो कोई लीडर हो या उसका बाप, उसको मार के उड़ा ले जाएगा। इस तरह समझे? अब तो तुम्हारे भेजे में आ गया होगा कि मैं इसका क्या लगता हूं। अगर अब भी कोई शक है तो एक बार टच करके दिखा, तो फिनिशिंग टच मैं देता हूं। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई इस साले को, इसका सर काट के मेरी मूर्ति को बलि चढ़ा दो। मेरा बाबा ही नहीं, बाबा की मूर्ति भी स्ट्रांग है। ए, देखा तूने तेरी जिंदगी कहाँ है? लात मारी तो आकाश में और गिरी तो पाताल में, धरती पर बचे रहने का मौका ही नहीं। जरूरत तेरी है मेरी? मेरी तो फिर तू आ। ओ शंकर कहाँ है? क्या काम है?
एक को खत्म करना है, कितना लोगे? बहुत बिजी है, नहीं होगा। नहीं होगा क्यों, डरते हो? इतने हट्टे कट्टे हो। अरे ये चोट कैसी? फाइट नहीं आती तुम्हें? फाइट नहीं आती तुम्हें? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो चुटकियों में मर्डर करता था। ये लो ब्लैंक चेक, जितना अमाउंट चाहे भर लो। इसे खत्म करना है। अब आया ना जोश, इसे कहते हैं मर्दानगी। स्टार्टिंग ट्रबल है क्या तुमको? उकसाने पर ही जोश आता है क्या? ए, एक गबरू जवान है, उम्र बहुत कम है लेकिन हाइट बड़ी ज्यादा है, उसको मारने के लिए हाथ नहीं पहुंचता, उसे तुम्हें मारना है। ये देखो ये है। क्या रे, अभी चोटे भी नहीं मारी फिर उसी से पिटवाने आ गया? मारो इसको। अरे ये चंदू इनकी भी बाट लगा चुका है, इसको मारना मेरे बस की बात नहीं। ए भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। क्या छोटे नवाब, उस शेषनाग शंकर को खूब मारा ना तुमने? जोर से मत बोलिए भैया, सुन लेंगे तो भरता बना देंगे। और उसके चमचे को भी खूब मारा ना। किसी को ऐसे मारोगे और पता नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो? वो शेषनाग शंकर है। दरअसल भैया, वैसे उसको मारने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? उसने इंदु को उठवाया इसीलिए मारा उसे। कल ही है, इससे पहले भी उससे कोई लफड़ा मोल लिया? नहीं, उसको मैंने कल फर्स्ट टाइम देखा। यानी फाइट एट फर्स्ट साइट क्या? थोड़ा बहुत वैसा ही है। ज्यादा चोट वोट तो नहीं लगी? मुझे तो नहीं लगी। तेरी नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। वो मूर्ति तो टूट गई मगर उसका क्या क्या टूटा मुझे नहीं पता। कौन है? इंदु है? फिर किसी को मारने का आदेश है? हाँ जाइए जाइए, वेट कर रही हूँ। मैं चलता हूँ। तू रुक जरा, तेरा क्या हाल है? तू किसी के प्यार में पड़ा है? नहीं भैया, मैं नहीं पड़ा। क्यों? हर किसी को इंदु जैसी लड़की थोड़ी ही मिलती है। लड़की मिलती नहीं है, ढूंढनी पड़ती है। जा जाके ढूंढ कहीं। भैया सर, बस एक बात कहूं, भाई ने शंकर की खूब धुलाई की, ये जानकर आप मन ही मन खुश हो रहे होंगे ना? खुश क्यों नहीं होऊंगा, इस भाई ने जो करने की सोची वो उस भाई ने कर दिखाया। मकसद तो एक ही है ना। अरे हमें इस यूनिफॉर्म और ड्यूटी के दायरे में रहना पड़ता है, लेकिन उसे क्या? ए हम चलें क्या? अरे रुकना यार। हेलो, ये नंबर किसका है? मेरा है जी। मुझे मिस कॉल बहुत आए हैं जी। मैंने किए। क्यों जी? चंदू चलो बस करो। ठीक है, मैटर क्या है बताओ? मधु की शादी में हम परिवार वाले यहाँ आए हैं, हमें यहाँ 2-4 दिन लग जाएंगे, तुम्हें मिस कर रही हूँ, प्लीज आ जाओ ना। भाई ये तो टू मच हुआ, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, इसका मतलब ये कि तुम जहाँ जाओगे हम पीछे पीछे बैग लेके वहाँ पहुँच जाए? हाँ मुझे देखने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा? लव किया है, करते रहेंगे हम, लेकिन रोज फोन करके तुमने क्या खाया, कौन सी ड्रेस पहनी और इस वक्त क्या कर रही हो, ऐसी बेकार की बातें मुझसे नहीं होती। शादी में 2 दिन मधु के साथ एंजॉय करो और मौज मस्ती करो, बाय। चंदू, चंदू, ओफो, क्या हुआ? कहा कि उसे देखने का मन कर रहा है फिर भी फोन रख दिया, पता नहीं क्या समझता उसने है। मजाक में बोला होगा, तुम देखना वो जरूर आएगा। वो आ जाएगा ना, फिर भी बात नहीं करूंगी। अरे यार क्यों इंदु को गुस्सा दिलाते हो? हे, गुस्से के बाद जो प्यार बढ़ता है ना उसका मजा ही कुछ और है। तू तो एक्सपर्ट हो गया है। मैं कपड़े पैक करता हूँ, चलते। चल। हेलो, तुम्हें क्या अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा? अब चलना है। भाई तुम ही अंदर लेकर जाओ। अरे मुझे भीतर भेज के कल को मेरी मौत का तमाशा देखना चाहते हो? एक दूंगा, ये बहुत समझदार है। आइए सर। क्या हुआ? बाबा मैं संभाल लूंगा। भैया आओ। शफी आज तुमसे नजरें मिलाने में भी मुझे शर्म आ रही है। क्या हुआ भाई? उठाइए चप्पल भाई ये। और मार मुझे। आप बेकार की बात मत करो भाई, हमसे गलती हुई, मार मुझे, ले ले इस चप्पल से मार मुझे, मार। इन नालायकों पे भरोसा किया मैंने, इसलिए आज पछता रहा हूं मैं। अरे मार मुझे, मार। ये मार। क्या भाई, परेशान क्यों होते हो? हाँ दोस्त, तूने हमारी खातिर कितना कुछ किया, तूने हमसे एक लड़की ही तो मांगी थी, वो भी मैं तुझे नहीं दे सका। लानत है मुझ पे, लानत है, लानत। अपने आप को संभालो भाई। शेष नाग शंकर अब खत्म हो गया। भाई टेंशन मत लो, तुम्हें उसका सर चाहिए और मुझे उस सिंधु को अपना बनाना है। भाई वो उसी के गांव में जा रहा है, मैं भी साथ जाऊंगा, ठीक समय देकर खत्म कर डालूंगा उसको, चलता हूँ। अरे ओए ओए ओए, कहाँ उछलते हुए खिसक रहे तुम लोग? इतनी मार खाई क्या ये काफी नहीं? ऊपर से ये देखो 90,000 का अस्पताल का बिल तुम्हारे पास में। भाई मैं कुछ करूंगा। खाने को पेट भर मिला ना, चल जा भाई। दोस्त हाँ। गांव का वातावरण, आकाश में तारे, सब कितना आनंदमय है। तुम्हारी बचकानी हरकतें याद आती है? याद है भूसे के पीछे क्या करते थे?
अंकल बताइए ना। अरे धीरे बोलो यार, कोई सुन लेगा। आपने क्या किया था बताइए ना अंकल। अरे मजाक नहीं रे तेरे अंकल भूसे के पीछे। अंकल बताइए ना प्लीज, अंकल बताइए ना। वो जो पूछ रहा है बता दीजिए ना। अब तो आंटी भी कह रही है आपको बताना पड़ेगा, बताइए ना। बेटा बताऊंगा तो तलाक मिल जाएगा मुझे। आंटी आप इनको तलाक दे दो। अरे भगवान, इंदु कहाँ है? वो अंदर है। अरे ये क्या दोस्त, सुबह से देख रहा हूँ इंदु किसी से बात नहीं कर रही है, मुंह लटका के बैठी है। वो तो हम शादी का बहाना करके इंदु को यहाँ पर लेके आए हैं। वापस शहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा। क्या हुआ भाई? परिस्थितियाँ वहाँ ठीक नहीं है दोस्त। जितनी जल्दी आपका बेटा हमारी बेटी का मन जीत ले उतनी जल्दी हम दोनों की शादी कर देंगे। ओए ना समझ, सुना अंकल क्या बोल रहे हैं? जितनी जल्दी हो सके इंदु को अपना बना लो। इतनी सी बात है, घर के चारों तरफ गाँव वालों को इकट्ठा करके इंदु को बुलाऊंगा तब तो वो मान जाएगी। अरे मेरा बेटा पागल है, इंदु को अपना बनाने में थोड़ा वक्त लगाएगा। क्यों दीदी, आपका बेटा ही पागल है या वो भी? छोड़ो भी। देखो हमारा राज्य कितना हरा भरा और विशाल है। इस राज्य का राजा मैं ही हूँ और तुम हो महारानी, और ये है हमारा सिपाही। क्यों रे मारी, असल ठीक चल रही है ना? जी महाराज। चल निकल ले। इंदु, इंदु क्यों इतनी उदास हो? रुको रुको, मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं, मैं उन सबसे तुम्हारा परिचय करवाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ए लक्ष्मण, तुम सीता का ख्याल रखो। ए बेकार गाँव वालों, ये है मेरी इंदु, शहर की रहने वाली है, और ये गांव का सबसे बड़ा लीडर है चंद्रभान यादव है, और ये है हमारे गांव का बेस्ट लायर, नाम है राम जेठ मलवानी। क्या मलानी? अरे साले तभी कहा था तुझसे कोई आसान सा नाम रखना, नाम बदल ले। और ये गंजा मैं इसे नहीं जानता, ये अभी नया नया आया है। इसका नाम ब्लेड है, यानी इसके मुंह में हमेशा ब्लेड रहती है, लेकिन इसको कभी जंग नहीं लगती। देख क्या रहा है, नमस्ते कर रहे। नमस्ते जी। हमारा हमेशा आपके बारे में बोलता रहता है, फोटो में आपको देखा था, अब सामने का फर्स्ट टाइम, यू आर ग्रेट। यही फर्स्ट टाइम देखा? हाँ। फोन पर बातें, पार्क में मिला, सब कुछ भूल गए तुम? मैं क्या? फिर और कौन? अब सबको मार के सबके सामने आई लव यू बोलने से काम नहीं चलेगा। शर्मन कुछ नहीं, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, आओ कहा तो बड़ा लेक्चर दिया। हा? जब लड़की का मन नहीं समझ सकते तो फ्रेंड्स के लिए जान क्या दोगे? मैं दूंगा जान। अरे ये मुझे क्यों मार रही? मैं देख लूंगा, तुम देखो ये वही है क्या? ओहो वो ये नहीं है। मामला बड़ा गर्म है यार, कूल करना पड़ेगा, क्या करे बहुत लोग जमा है। पछाड़ तो हम देख लूंगा। ए ग्रीस, हमें काम करो, उसका पत्थर मारो। हाँ जा, चलो जाओ। इंदु कहाँ जा रही हो तुम? किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा? एक तो मुझे पत्थर मारते हो, ऊपर से ऐसे पोज बना के खड़े हो, आखिर चीज क्या हो तुम? तुम मुझे पसंद आ गए इसलिए मारा। तुम भी मुझे बहुत पसंद आ गए हो नालायक। मारो अरे थोड़ो। कौन है बे? ओ बत्तर, वो नहीं हम फेंका हूँ, क्या कर लोगे? हाँ देखिए अंकल, देखने में चंगे भले लगते हो, यहाँ नाई वाई होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता? क्यों यार, तुम दिखने में पढ़े लिखे लगते हो, यहाँ एक पत्थर मारता है तो दूसरे को सजा मिलती है का? नहीं तो जब मैंने गलती किया तो मेरे दोस्त को मारने का तुम्हारे दोस्त का क्या अधिकार है? तो गलती करने वाले को मारना चाहिए। अरे चल मार इसको, घुमा के मार, आगे से मार, पीछे से मार, ये ले। जाओ यहाँ से। हाँ बस हो गया, चलो भाई अपना काम हो। जाते कहो, असल में तुमने मुझे पत्थर मारा। हाँ मैंने, गलती से मैंने इसे मार दिया। हाँ वो बीच में इसका क्या संबंध, इसने मुझे क्यों मारा, मारना चाहिए इसको। अरे अच्छा ठीक है, तू भी मारा, ये मार, ऊपर मार, अच्छा वो बहुत हो गया मार, नाम निकल ले। इंदु, इंदु क्या हुआ? अरे अब क्या इंदु कर रहा है, ये शहर वाले तेरे को उल्लू बनाकर तेरी डालेंगे इंदु को। इंदु इंदु प्लीज रुको, इंदु इंदु दिल पे तो ठेस मत लगाना, रूठ के ऐसे मत जाना, जान लेगा ये बलखाना। काहे अखियां हैं फिर हम हो गए हैं तेरे, ये ठुमक ठुमक चलना। ओ गोरिया रूठ के मत जाना, दिल पे तो ठेस मत लगाना, रूठ के ऐसे मत जाना, जान लेगा ये बलखाना। जरारे गुस्से में लगे बड़ प्यारे, रस्ते में यूं न पलखाओ, मान भी जाओ तुझ पे जिया हमारे, तेरे बिना जीना न मर जाना।
काहे अखियां फिर हम हो गए है तेरे ये ठुमक ठुमक चलना ओ गोरिया उठ के मत जाना तोरे अंगारे थोड़ी यही आधा हमें मारे जरा हमसे गोरी बतियाओ जरा मुस्काओ तुझ पे जिया हम हारे आशिक तेरा दुनिया ने भी माना कहे अखियां फिर हम हो गए हैं तेरे ये ठुमक ठुमक चलना ओ गोरिया रूठ के मत जाना दिल पे तू ठेस मत लगाना रूठ के ऐसे मत जाना जान लेगा ये बलखाना कहे अखियां फिर हम हो गए हैं तेरे ये ठुमक ठुमक चलना ओ गोरिया रूठ के मत जाना ओ सजनी ओ गोरिया ओ मितवा रोठ के ऐसे मत जाना जान लेगा ये बलखाना कहीं छुपे होंगे शायद नहीं इस ब्लेड की कसम आज उसकी जीभ नहीं काटी तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं करेक्ट हम भी नहीं मैं भी नहीं मैं भी नहीं अरे नालायको तो फिर उसके बाप की औलाद हो मजाक मत करो अभी उसे मारना है शाम को बियर मारनी है तब तक अपनी माजुका को नहीं देखूंगा बॉस देखना मत देखता रहेंगे ए चंदू देखो उसकी नाक में रस्सी क्यों है अरे जवानी में उनको गुस्सा बहुत आता है तभी तो उनको यूं बांध देते हैं वैसे तुम औरतों का गुस्सा भी तो नाक पर ही होता है इसीलिए तो औरतें हमेशा नाक पर नथनी पहनती हैं मतलब अगर कान भी छिदवाया है तो गुस्सा कान पर भी होता होगा जो बेफजूल बातें एक दो तीन चार तो फिर पांचवा कहाँ है पांचवा तू जो है ओ मैं तो भूल ही गया अरे बोले बोले अरे पागल इंदु को यहां से ले जाओ जाओ चंदू
चंदू ठीक तो ना? हाँ चलो 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 पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटिए पीछे हटिए। पकड़ो अप्रैल 2nd एयरपोर्ट कार पार्किंग स्लिप AP28AN3033 नंबर जाना पहचाना सा लग रहा है। चेयरमैन की कार का नंबर। चेयरमैन की मौत कब हुई? अप्रैल 2nd सर। यानी दोनों एक ही दिन मारे गए। समथिंग रॉन्ग। फौरन पोस्टमार्टम करवाइए। किस वक्त हुआ, कैसे हुआ, इन सब की पूरी डिटेल्स चाहिए। गो अहेड। एक्सक्यूज मी सर, ये मर्डर है या सुसाइड है? पास तो नहीं हो गया अपना? ये लो। ये क्या शफी, यहाँ कहाँ लेकर आए हो? आओ अंदर आओ इंदू, आओ। वेलकम इंदू। शफी यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? मुझे अपने घर जाना है। आज से यही हमारा घर है। What? हमारा घर मतलब? मतलब हम दोनों की शादी के बाद यही हमारा घर होगा ना। हम दोनों की शादी? हाँ। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ पागल हो गया हूँ मैं। तुम्हारी खूबसूरती का पागलपन है ये। तुम्हारी खूबसूरती ने दीवाना बना दिया मुझे। तुम्हारी मासूम और मीठी मीठी बातें पागल कर देती है मुझे। हाँ छोड़ो मुझे। तुम्हारे मन में इतना पाप भरा है और भोलेपन का नाटक करते हो। इंदू हाँ मारो मुझे, मारो मुझे और मारो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा तो मारो। देखो चंदू को पता चल गया तो तुम्हारा खून पी जाएगा। चंदू अब भूल जाओ चंदू को। चल अब चंदू नहीं आएगा। गांव में मैंने ही गुंडे भेजे थे समझे। अब तक तो तेरे चंदू के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। चंदू को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरे चंदू को कोई नहीं मार सकता। क्या चंदू चंदू लगा रखा है? ऐसा क्या उसके पास जो मेरे पास नहीं है? इतने प्यार से समझा रहा हूँ समझती नहीं हो? तुम मेरे प्यार को पागलपन समझो या पागल प्रेमी? मैं ही तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। मैं जाके हमारी शादी की तैयारी करके आता हूँ, तुम ही रहना, कहीं जाना मत। हाँ धूमधाम से शादी करेंगे। सर कार ड्राइवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कैसे मारा था वो? मर्डर सर। टाइम 10:30। अच्छा चेयरमैन की मौत कब हुई थी? 11 o'clock सर। यानी ड्राइवर नहीं पहुंचा तो चेयरमैन ने खुद गाड़ी चलाई। वही समझ में नहीं आ रहा सर, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स का कहना है कि ड्राइवर ने ही कार ड्राइव की। नो डाउट चेयरमैन की मौत शक का दरिया है। ये बात मीडिया या प्रेस में लीक नहीं होनी चाहिए। सॉरी सर ये बात पहले मीडिया तक पहुंची। बैंक कहाँ है? ओपन द डोर। मैनेजर कहाँ है? सर मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालिए सर। यहाँ मैं जनता का पैसा दिलवाने आया हूँ। पैसा होगा तो दिलाएंगे ना। क्या मतलब? मुझे नहीं पता चेयरमैन ने किस किस को पैसा दिया है। किस किस को दिए हैं बताओ। बताऊंगा तो वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं बताने पर ये नहीं छोड़ेंगे। मार लो इसको, मार लो, हमें इसे छोड़ना मत। इसे छोड़िएगा मत सर, इसे हमें सौंप दीजिए। उसे हमारे हवाले कराओ, उसे जान से मार देंगे। मारो इसे, मार डालो, खत्म करो इसे। इसे मारने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मारो इसे। आजकल मार डालूंगा काट डालूंगा बोलना एक फैशन हो गया है। अगर तुम लोग कानून हाथ में लोगे तो हम किस लिए? सर आप कितने सिंसियर हैं हमें मालूम है, लेकिन पहले भी कितने बैंक बंद हो गए इसलिए हमें डर है। कृपया करके हमें न्याय दिलाइए सर। सर मुझको IIT में एडमिशन मिला है। पढ़ाई के वास्ते गांव की जमीन घर बार सब कुछ बेचकर उन पैसे को इकट्ठा करके मेरे पिताजी ने इसी बैंक में जमा करवाए थे सर। अब मेरी पढ़ाई कैसे होगी सर? मेरा पूरा परिवार तो आत्महत्या कर लेगा सर। प्लीज सर आप ही हमारे लिए भगवान है सर, हमारे परिवार को बचा लीजिए सर। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ऐसा वैसा कदम मत उठाना। सबको न्याय मिला ऐसा मैं करूंगा, विश्वास करो मेरा। अरे तो ये शर्म नहीं आती है कहते हुए? वो तो तेरे अंडर काम करता है ना, या तेरी बीवी भी तेरी बात नहीं सुनती?
कैसा डी आई जी रे तू? हे शंकर, बात को समझने की कोशिश करो। उस जैसा सरफिरा ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा। नमस्ते भाई, डी आई जी सर, यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं मेरे वास्ते ना भाई। अरे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस सिंधु को उठा लाया हूँ। बस आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं शादी करूँगा। हे शादी वादी भूल जा, उस बॉस के बच्चे ने बैंक मैनेजर को अरेस्ट कर लिया है। उसने मुंह खोल दिया तो नानी याद आ जाएगी। साला ये बॉस, क्यों ना मैनेजर का ही पत्ता साफ कर दे। पत्ता साफ करेगा? अरे कौन करेगा? जब एक पुलिस वाले को और एक नामी गुंडे को उसका सुराग नहीं मिला तो तू कैसे पता कर लेगा कि मैनेजर कहाँ छुपा हुआ है भाई? अरे मैं हूं ना। इन लाशों के बीच में मैं अपना दम तोड़ दूंगा, मुझे बचा लीजिए। तू मुंह खोल के सच उगल दे तो तू भी बच जाएगा और जनता का भी कल्याण होगा। मौत की आहट तुझे सुनाई दे तभी तो तुझे यहाँ छुपाया। तू सच बोलेगा तो जनता को न्याय मिलेगा। हाँ बोल शफी। हेलो भैया, चंदू का एक्सीडेंट हुआ है। चंदू का कैसे हुआ? इस वक्त कैसा है वो? मामला सीरियस तो नहीं? कहाँ हो तुम लोग? आप घबराइए मत, हम लोग उसे शहर लेके आ रहे हैं। वैसे आप कहाँ पर हो? उसे अर्जेंटली जनरल हॉस्पिटल ले आओ, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है भाई। मेरे वापस आने तक सच्चाई उगल देना। हाँ भाई बोलिए। यादव, चंदू का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कैसा है वो इस वक्त? नहीं भाई, एक्सीडेंट जैसा कुछ नहीं हुआ। किसने बताया आपको? शफी ने बताया। कैसा है वो बोलना तू। भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मामूली सी चोट लगी है, रास्ते में हॉस्पिटल मिल गया, ड्रेसिंग करवा रहे हैं, बाहर आते ही फोन करवा दूंगा। तो वो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? घबराने की कोई बात नहीं, बाहर आते ही उससे फोन करवाना, उससे बात करूंगा तभी शांति मिलेगी। ठीक है भाई। ये क्या क्या, ये क्या क्या नालायक कह के क्यों मार रहे आप इसे? इसने क्या क्या जानते हैं? पूरी बोतल पी के नशे में ब्लड सैशन नीचे फेंक दिया। वैसे ही रे ग्रुप है, अब इस पेशेंट की हालत कैसे सुधरेगी? क्या ग्रुप है? ओ नेगेटिव सर, मेरा भी ओ नेगेटिव है, मैं देता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स माय ड्यूटी, प्लीज गो, गो फास्ट। ओके सर। क्यों रहे? सर, बुलेट अंदर घुसेगी तब बात बाहर निकलेगी क्या? पहले ही तुझे काफी वक्त दे चुका हूं। गरीबों के आंसू ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना कभी की इस पिस्तौल की गोली तेरे आर पार हो गई होती और मॉर्चरी में एक और बॉडी आती। सर मैं बताता हूं। गुड, बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। शेषनाग शंकर। सर, सर। शेषनाग के बिना शंकर बेकार है। शेषनाग शंकर आ गया, अब बोल बोल बोल। ओस, वैसे ही गन मेरे पास भी है। गन किसके पास है ये बड़ी बात नहीं, दम किसमें ज्यादा है वो देखना है। देखते हैं तेरी पावर और इस शेषनाग की फुंकार में कितना दम है। Ah!
अगर कोई माइकालाल यहाँ है तो इसे हाथ लगा कर दिखाए। कमान तेरी इतनी हिम्मत कि हम लोगों के होते हुए तुझे ये यूनिफॉर्म मौत के मुंह से बचाएगी? ए, एक ईमानदार पुलिस वाला जानता है कि वर्दी में कितनी ताकत होती है। तुझ जैसा हरामखोर जो देश और वर्दी दोनों को ही धोखा दे रहा है, इसका मूल्य क्या जानेगा? ये मेरी मौत को शायद ना रोक पाए। आ जाओ जिसने अपनी माँ का दूध पिया और देखो इस वर्दी की ताकत। सर, शफी तुम? हाँ भाई, मैं शफी ही हूँ। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है, लेकिन उस हिंदू की खातिर मुझे क्यों सबसे दुश्मनी लेनी पड़ रही है? मैनेजर, भगवत गीता की कसम खाता हूँ, तुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर हूँ। गीता में ही लिखा है, वैसे हमारे हाथों में कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, बस ये है, और ये सब तो ऊपर वाले की करामात है। नमस्कार। बड़ी आसानी से मार डाला, इन खून के धब्बे हम पर नहीं लगने चाहिए। डरते क्यों हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम बताता हूं, देखो देखो ये बॉडी को, ये सब पुलिस वालों का खेल है, इसे मार डालो। हमारे पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आ जाओ पुलिस वाले, चलो चलो। ये सब क्या न्याय है? इस मैनेजर की मौत के जिम्मेदार कौन है आप बताइए? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो तुम लोग? इसे तो बोस ले गया था ना। वही तो, एसीपी बोस कहाँ है? बोस नहीं है। पर बोस कहाँ गया सर? हमारी पहुंच से बहुत दूर। मतलब? बोस का इस कैंप से लिंक जुड़ा है। ये मामला लोगों तक न पहुंच जाए इसलिए उसने मैनेजर को अरेस्ट किया, और हमारे डिपार्टमेंट को भी न पता चले इसलिए उसे अनजान जगह पर ले जाके मार डाला और फरार हो गया। ये पैसा मिलना मुश्किल है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा बेटा फरार नहीं हो सकता है, सॉरी आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मीडिया की तरफ से आए हो, चुपचाप अपना काम देखो, चलो हटो। वो सी ना इंसाफी करेगा तो हमें इंसाफ कौन दिलाएगा? देखो ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी शर्मनाक बात है। आप लोग आवेश में आके रास्ता रोक के धरना मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, न्याय दिलाऊंगा मैं। हमें पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है। चलो भाइयों, हम सीएम के घर चलते हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा वही भूख हड़ताल करेंगे। एक मिनट भाई साहब रुकिए। इंसान को समझदारी से काम करना चाहिए वरना जीना मुश्किल है। डीआईजी साहब, आप मेरे बेटे को जानते हैं फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों, तेरा बेटा सत्य हरिश्चंद्र है क्या? हरीश चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला था जितना बड़ा सच है, वैसे ही मेरा बेटा कभी गलती नहीं करता, ये भी उतना ही बड़ा सच है। जनता सच्चाई को नहीं मानती। देख रहे हैं ना राव साहब, जो मेरे बेटे के सामने खड़े होकर सलूट करने के लायक नहीं, वो मेरे बेटे के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। परेशान मत होइए सर, बोस जी आते ही इनके सारे कुकर्मों का भांडा फोड़ देंगे। चलो चलो चलो, हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, अरे जल्दी करो, चलो। कौन तुम और ये क्या है, इतने घबराए क्यों, ये कैसे ले जा रहे हो? एसीपी बोस, इनको क्या हुआ?
इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग? ए तो चुप कर, गलियां दे। चलो जल्दी निकालो, चल जल्दी कर। अरे डॉक्टर साहब कहाँ हुआ ये हाथ में खून कैसा? कुछ लोग बोस को बाहर लेकर जा रहे थे, मैंने रोकना चाहा तो मारा उन्होंने। कौन से बोस? एसीपी बोस भाई। एसीपी बोस यहाँ क्यों आए थे डॉक्टर? वो सब मैं नहीं जानता, आपको खून उन्होंने दिया था। क्या मुझे खून भाई ने दिया? ये क्या हो रहा है? एसीपी बोस के लिए चेकिंग हो रही है। क्या हुआ? एसीपी बोस को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, अब क्या करें? हम तो फंस जाएंगे। अरे फोन दो, मैं भाई से पूछता हूँ। एसीपी बोस, 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 एसीपी बोस। बोल बे भाई, यहाँ पर पुलिस वाले बोस के लिए चेकिंग कर रहे हैं और पीछे पूरी जनता बोस डाउन डाउन के नारे लगाती हुई हमारी तरफ आ रही है। हम बीच में फंस गए हैं, अब हम क्या करें? हमें समझ नहीं आ रहा। आप ही बताइए भाई क्या करें। लोग तो बुरी तरह से भाग रहे हैं, मुझे डर है कि हम पुलिस वालों के हाथ न लग जाएं। इसको इस बस में डाल देते हैं। ए, वो तो जिंदा है। अरे वो कहां उठ के भागेगा, बस जल रही है, उसके साथ खुद राख हो जाएगा।
भाई भाई मेरी तरफ देखो भाई, भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो भाई मैं तुम्हारा भाई चंदू चंदू आ गया हूँ भाई। भाई मुझसे बात करो भाई, मुझसे बात करो भाई, प्लीज भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे छोड़ के मत जाओ भाई। भाई देखो मुझसे बात करो, मुझे बताओ किसने किया ये सब तुम्हारे साथ भाई। भाई मुझसे बात करो प्लीज भाई, मुझे छोड़ के मत जाओ भाई प्लीज। मैं हूं ना भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई। नहीं नहीं मैं हूं ना, नहीं 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भाई। नहीं नहीं मेरी बात सुनो भाई, कुछ नहीं होगा, मैं भाभी को क्या जवाब दूंगा भाई। मेरी बात सुनो, नहीं नहीं भाई मुझसे बात करो, मुझे छोड़ के मत जाओ भाई। भाई भाई सब धर्मों के लोग शांति बनाकर रहते हैं यहाँ। यहाँ रह के मुझे काफी कुछ सीखना है। भाई, भाई मुझसे बात करो भाई, मुझसे बात करो भाई, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भाई, नहीं जा सकते भाई, मुझे छोड़ के नहीं। मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई, किसने किया ये सब मुझे बता उनके बारे में भाई, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भाई, मुझे मुझे छोड़ के गुडविल बैंक के मैनेजर को मारकर 100 करोड़ रुपयों के साथ एसीपी बोस फरार हो गए हैं। बाबूजी, उनकी पुलिस ऑफिसर इस स्कैम में मुख्य दोषी हैं। उनकी तलाश जारी, ये सब क्या है? एसीपी, देखो बेटी तुम चिंता मत करो, ये सब मामूली अफवाह है, तुम इस पे बिल्कुल ध्यान मत दो। अरे क्या कर रहे हो? मुझे लगता है बहू की हालत ठीक नहीं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को फोन कीजिए। अभी करता हूं। बेटी समझ गई। कुछ नहीं, जरा सा चल गया क्या? भी करता हूँ बेटी, लेकिन डैडी की लाइन नहीं मिल रही है। मुझे दीजिए, मैं चाचू को फोन करूंगी। हेलो हेलो, मैं हूँ चाचू, घर में छोटा भैया आया है, डैडी को बताना है। डैडी कहाँ है? डैडी इस वक्त बिजी हैं पिंकी, वो बात नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप ही बता देना। क्या कहूँ? उनसे कहना कि भैया बिल्कुल उनकी जैसा दिखता है। हे, तुम्हें कुछ शर्म वगैरह है कि नहीं? तुम्हारा कुछ पता नहीं, उधर तुम्हारा भाई भी गायब है। नहीं पिताजी, भैया ड्यूटी के सिलसिले में दूसरे शहर गए, मुझे फोन किया था उन्होंने। अरे ये कैसी ड्यूटी है, यहाँ इतना कुछ हो रहा है और वो कहाँ मर गया है? नहीं पिताजी, मेरा भाई बाकी ऑफिसर जैसा नहीं है, ड्यूटी के वास्ते अपनी जान भी दे देगा। हाँ, ड्यूटी के वास्ते जान दे देगा ऐसा हम सोच रहे हैं,
पर पैसों के वास्ते वो जान ले लेता है। लोग सोच रहे हैं लोग इंसानियत का मतलब भूल गए हैं और मंदिर जैसे पवित्र घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। आज मैं अपने बेटे को नहीं देख पा रहा और वो अपने बेटे की सूरत नहीं देख पा रहा। ये कैसे इम्तिहान की घड़ी है बेटे। सुनो छोटे, तुम किसी भी तरह अपने भाई को लेकर आओ। ले आऊंगा। बोस साहब की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है चंदू, एक छोटा सा क्लू भी नहीं मिला। ए, बोल कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ छुपाया है उसे, बोल। बोल। ए, छोटे क्या कर रहे हैं आप, बीच में मत बोलिए, आप चुप रहिए, पता कहाँ छुपाया है मेरी बेटी को। इंदू घर नहीं आए क्या? ए, इन नाटकबाजी बंद कर। क्या कर रहे हैं आप, पहले आप इसकी शर्ट छोड़िए, बताइए क्या किया इसने। मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। सॉरी, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये भी तुम्हारा बेटा है, कोई शक है? क्या परिवार है तेरा? हाँ? एक बेटा लोगों के 100 करोड़ लेकर फरार है और ये करोड़ों की लालच में मेरी बेटी को छुपाए बैठा है। क्या चोर उचक्के पैदा किए हैं तूने? क्या बोला था? चुप रहो। पड़ोस से इस तरह से बात की जाती है, अगर हम पर गलत इल्जाम है तो उसको मिटाना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है, समझ गए? जाओ इनकी बेटी को लेकर आओ। जाओ, जरा मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो, जाओ। सॉरी सर, आपकी बेटी आपके घर पहुंच जाएगी, मुझ पर भरोसा कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। इन लॉकेट तो चंदू, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहां से आया? भूल गया, भाई ने मरते वक्त दिया था। ये लॉकेट तो शफी का है। शफी का? तो फिर ये भाई ने मुझे क्यों दिया होगा? शफी कहाँ मिलेगा? चल बता, मेरे भाई को किसने मारा? तेरे साथ और कौन कौन है? बोल बोल। छोड़ दे, छोड़ दे प्लीज। बोल कुत्ते, बोल। बताता हूँ, डीआईजी हरिराम सेक्शन शेषनाग शंकर। नहीं, खून करने वाले को माफ कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत का खून, भरोसे का खून, दोस्ती का खून करने वाले को मैंने अगर माफ करके छोड़ दिया तो इस दुनिया में इंसान ही नहीं बचेगा। शाबाश चंदू, भाई की मौत के कारण बने इस दरिंदे को मारकर तुमने बहुत अच्छा काम किया। नहीं चाचू, भाई मरे नहीं, सुभाष चंद्र बोस की तरह सबके दिलों में रहेंगे। चंदू, डैडी को यह बताना जरूरी है। ए,
चलो पीछे हटो, पीछे हटो, चलो 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 हटो, पीछे पीछे पीछे। पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, जनता को पीछे हटाओ। सर यहाँ एक लेटर रखा हुआ है सर। आप जरा जोर से पढ़िए सर। आइए मीडिया वाले आइए, रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए सर, जोर से पढ़ेंगे सब, रिकॉर्ड कीजिए। ये जनता की दृष्टि में एक स्टूडेंट ही है, लेकिन लेकिन ऐसा खूनी है कि खून करने के बाद कोई सुराग तक नहीं छोड़ता। गुडविल अर्बन बैंक के चेयरमैन और बैंक मैनेजर का खून इसी ने किया है, और बैंक के 100 करोड़ रुपया उड़ाने के पीछे इसी का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी न डरे, डिपॉजिटर्स का पैसा कहीं नहीं जाएगा। इस स्कैम में मुझे जिसने भी फंसाया उसे नहीं छोड़ूंगा, आपका एसीपी बॉस। कितने कत्ल करवाए मगर आज तक कोई गलती नहीं हुई, ये कैसे बच गया ससुरा? अरे बाबा गलती हुई तभी तो बच निकला। सॉरी सर। वैसे उस दिन धरना में क्या हुआ पता चले तो? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, कैसे लाना मेरा काम है। वो कैसे वहां, वो कैसे पहुंच गया वहां? नहीं जानता भाई। भाई वो उस दिन एसीपी बॉस पूरी तरह मरा नहीं था, हिल रहा था। साले हरामखोर, वो तक क्यों नहीं बताया? ए जरा पीछे ले, पीछे ले, पीछे। बॉस के भाई ने बचाया उसे, मतलब बॉस बच के निकल गया। क्या कह रहे हो तुम? हेलो सर, अभी अभी हमारे पुलिस स्टेशन में बॉस का फोन आया था सर। क्या? नेक्स्ट हमारे डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर का खात्मा करेगा बोल रहा था। मतलब इशारा आपकी तरफ है सर। नहीं नहीं नहीं, फोन रख, फोन रख। बहुत डर गया लगता है। क्या हुआ? बॉस ने पुलिस स्टेशन में फोन किया और मुझे मारने की धमकी दी। गोविंदा गोविंदा, बताओ अब इस बॉस को हम पकड़ेंगे कैसे? उसका भी एक प्लान है। हमारे मिलने की जगह ये है और ये उसका घर है। जब वो ऑफिस के लिए रवाना हो जाएगा तब चाचू यादव को फोन करेंगे। उसके ऑफिस पहुंचने से पहले यादव इंदु को लाकर सिग्नल के पास रोकेगा। इंदु तुम उसे उस सिग्नल से चकमा देकर किसी भी तरह डाइवर्ट करके पुणे हाईवे पर ले आना, वहां पर मैं उसका इंतजार करूंगा। तुम दोनों इंदु की हिफाजत करना। ओके। चाहे कुछ भी हो जाए कल उसे ऊपर पहुंचाना है, समय बड़ा बलवान है। 10:30 AM बोल कहां छुपाया उसे? बॉस को कहां छुपाया तूने? बोल साले। एक मरे हुए को जिंदा करके तू हमें मारना चाहता है? बोल कहां है वो? ए, बॉस यानी तुम्हारी मौत, और मौत का पता नहीं होता, खुद तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगी समझ लो। अगर तुम अपनी मौत के दर्शन करना चाहते हो तो मारो मुझे, मारो। ए शंकर रुको, अगर बोस को जिंदा पकड़ना है तो इसे जिंदा रखना होगा। जुबान चलाने के अलावा हमारा क्या बिगाड़ सकता है ये? इससे सच कैसे उगलवाना है मुझे मालूम है। ए, इसे उल्टा लटका के खूब मारो, चलो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। डैडी ये सब क्या है? पवन से तुम्हारी शादी। मेरी शादी? ये शादी मुझे पसंद नहीं। जानता हूँ, मुहूर्त का समय हो रहा, जाओ तैयार हो जाओ। जाओ हेलो अंकल, चंदू कहाँ है? इतनी देर से उसका फोन रिंग हो रहा है, उठाता ही नहीं है। तुम डरो मत इंदु बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं डरती नहीं हूँ। तो फिर? मेरे डैडी ने अचानक मेरी शादी करने की ठान ली है। शादी? तुम एक काम करो, डैडी इंदु कहाँ है? आंटी जी
इंदु। पवन जरा इस दीवार पर चढ़ाओ ना। सॉरी पवन, मैं भाग रही हूँ। इंदु सर, सर सर सर, हमें बोस को पकड़ने का एक अच्छा मौका मिला है सर। वो क्या? आप जीबी प्रसाद जी की बेटी को जानते हैं ना? प्रसाद की बेटी इंदु? जानता हूँ, हाँ बिल्कुल वही सर। सर वो लड़की बोस के छोटे भाई से बहुत प्यार करती है, लेकिन सर उस लड़की का डैडी उस लड़की की शादी जबरदस्ती कहीं और कर रहा है सर, इसलिए भाई के खातिर बोस उसे किडनैप करने वहाँ आने वाला है सर। आप वहाँ जाइए सर, मैं अपने बैच के साथ पहुँचता हूँ सर। भाई मंदिर ठीक रहेगा रजिस्ट्रार ऑफिस? किस लिए? शादी के लिए। तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो इंदु को कोई खतरा नहीं है, ये हमारी फीलिंग है। मेरी फीलिंग है कि हमारी शादी होगी तो कॉलेज में करेंगे और कैंटीन में रिसेप्शन रखूंगा, ठीक रहेगा ना? तुम्हारी बात में दम नहीं है रे। तो इंदु का क्या होगा? इंदु को मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। इंदु तुम मेरे साथ चलो। इंदु बेटी, सर सर इंदु बेटी वापस आ गई है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलिए उसको रिसीव कीजिए। थैंक यू बॉस। इंदु चलो। रुको, जो लड़की मंडप से भाग के वापस आ गई उससे शादी करके तुम खुश रह पाओगे? तुम रह सकते हो तो बोलो। इंदु अपनों के खातिर और मैं उसके खातिर अपने प्रेम का बलिदान दे देंगे। बिल्कुल नहीं, ये नापसंद शादी करके दोनों एक सुखमय जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे क्या? प्रसाद तेरी बेटी इसके साथ भाग गई लेकिन इसने इंदु से शादी नहीं की और उसे वापस ले आया है। इसकी जगह अगर मेरा बेटा होता तो इंदु को लेकर वापस कभी नहीं आता। इसकी ईमानदारी तो देखो, लड़की को लेकर वापस मंडप में आ गया। मेरी मानो तो दोनों की शादी कर दो। तेरे है कटारी, है कटारी गोरी सक की तू बीमारी।
जाए मन की चोरी। खलबली 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 मच गई खलबली 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 मच गई खलबली खलबली। ना 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 तेरे है कटारी गोरी सक की तू बीमारी। जादूगरनी लागे है मन तेरे संग भागे है जादूगरनी लागे है। अरे नहीं नहीं कब तक हमसे बचोगे बाबू कब तक नाना बोलोगे। चोर जबरदस्ती का हमसे हमराई दिल ले लोगे। लूंगी मैं मन की चोरी। खलबली 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 मच गई खलबली 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 मच गई खलबली खलबली। ना 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 तेरे है कटारी गोरी सक की तू बीमारी। छोरा 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 तो है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्यार बिना हर पल भारी। बाबा ए बाबा बाबा अब हमारी जिंदगी भी खतरे में है। उस बॉस के बच्चे ने डीआईजी को भी मार डाला। अब उसका अगला निशाना आप हो। ए बाबा आप कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ तभी आपकी जान बचेगी। अंडरग्राउंड हम नहीं होऊंगा हम शेष नाक्षण करूं। एक्सक्यूज मी डीआईजी साहब आ गए क्या? ये पुलिस वाले भी बहुत पोज मारते हैं आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम। ये नया डीआईजी पता नहीं कब आएगा। वो आके भी क्या करेगा बोलेगा नया आया हूँ केस रेडी करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो क्या बॉस को पकड़ेगा अब। वो लोग आपस में मिले हुए होते हैं थोड़ा सा हंगामा करके फाइल बंद कर देंगे। इससे पहले वाले डीआईजी को मार दिया ये सोच के वो भी कहीं छुपा होगा इस वक्त। एग्जैक्टली तभी तो प्रेस मीट में भी आने की उसकी हिम्मत नहीं होती। आप लोग तैयार है ना? क्या डीआईजी साहब आ गए? आप लोगों को चाय पानी मिला ना? अब आप लोग आराम से बैठो उनका भाषण और आपका लिखना सब बेकार होगा। I'll call you back in 10 minutes. ये क्या सर बोस के मामले में आप क्या क्या एक्शन ले रहे हैं हमें जानने की जरूरत है। अरे छोड़ो यार अरे अब तक हम लोगों ने क्या उखाड़ लिया जो वो आके उखाड़ लेंगे। बड़े ऑफिसर के बारे में ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। सर आप यहाँ कैसे बैठे हैं? अरे भाई उन्हें क्यों सलूट मार रहे हो कौन है वो? यही हमारे नए डीआईजी साहब। सर नमस्ते सर। बैठिए बैठिए। सॉरी सर। ओके रिलैक्स। ये क्या सर अचानक इस तरह एंट्री ली आपने? मैं वहां बैठा तभी तो मुझे पता चला कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर यहीं बैठा रहता तो बोझ से मुझे डर है ऐसा वैसा उखाड़ लेता। ये सब बातें सुनने को थोड़े ही मिलती। थैंक्स फॉर योर फीडबैक। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? वैसे अब आप क्या करने की सोच रहे हैं? रिजाइन। ये क्या सर ज्वाइनिंग वाले दिन ही रिजाइन? नहीं तुरंत नहीं 24 घंटों के अंदर। 24 घंटों के अंदर अगर बोस को नहीं पकड़ा तब मैं रिजाइन करूंगा। ये अपने पास ही रखिए। और सुनो। यस सर। सबने जो नहीं उखाड़ा वो मैं उखाड़ सकता हूं ना क्यों? थैंक यू जेंटलमैन। देखेंगे क्या उखाड़ लेंगे। 100 करोड़ रुपयों का घोटाला करने वाले एसीपी बोस को नए डीआईजी ने अरेस्ट कर लिया है। 24 घंटों के अंदर ही उन्होंने ये कमाल कर दिखाया। पुलिस ऑफिसर स्ट्रांग ना हो और ठीक से प्लानिंग भी ना हो तो मुजरिमों को पकड़ना आसान नहीं तभी तो बोस बचता रहा। ऐसे केसेस मैंने अपनी सर्विस में बहुत देखे हैं तभी तो अपने अनुभव से मैं उन्हें एक दिन के अंदर पकड़ पाया हूँ। सर क्या हम बोस जी का इंटरव्यू ले सकते हैं? कल कोर्ट में उनका बयान रिकॉर्ड होने तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। थैंक यू वेरी मच। इस नए डीआईजी ने बोस को अरेस्ट कर लिया। बोस को कोर्ट ले जाने से पहले हमें उड़ाना है समझे? उसको कोर्ट ले जाने से पहले अगर हम उसे मार नहीं पाए तो उसका मुंह खोलने से पहले उसे मार दो। तुम जाओ और बोस की बीवी बच्चे माँ बाप पूरे परिवार को यहाँ उठा कर लाओ। जाओ जल्दी जाओ। ए बॉडी बिल्डर तू क्यों इतना उछल रहा है? फाइट करने के लिए। क्या करेगा तू? फाइट करवाने के लिए बुलाया उल्टे सीधे काम करवाते हो? यहाँ कोई है मेरे से बड़ा पहलवान बताओ मुझे? नहीं है क्या? इस
बॉडी के आगे ये बॉडी फाइटिंग करे तो कौन चकला चूर होगा। सुन, तुमको एक चॉकलेट खिलाऊंगा, जाने दे मुझे। सर, एसीपी बोस से हमें मिलवाइए। सर, मेरे पति कहाँ है? देखिए, ये पुलिस स्टेशन है, जब आपका पति घर आएगा तब बात कर लीजिए। सर, हमें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरा बेटा किस हाल में है पता नहीं, उससे आप एक बार हमें मिलवाइए। बिल्कुल नहीं मिलवाऊंगा। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम लोग? हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे यहीं पर। हमारी मौत का कारण आप ही होंगे। ऑल द बेस्ट, जाइए, बैठ जाइए। सर, कम ऑन, ये आप ठीक नहीं कर रहे। हम अपने बेटे से मिलकर ही जाएंगे। अरे हम क्या दिखाएं आपको, क्या दिखाएं? हेलो चंदू बेटा, इस नए डीआईजी के बेकार प्लान से आपके माँ पिताजी और सब लोग ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं बेटा, किसी की नहीं सुन रहे हैं। एक काम करो चाचू, आप इमीडिएटली आप प्रेस वालों के पास जाइए और भाई भाग गए बोल दीजिए, तब तक मैं वहाँ पहुँचा। देखिए, बोस साहब भाग गए और कहाँ गए हमें नहीं पता। बाबूजी, ये सब क्या है? सर सर, बोस भाग गए सर। व्हाट, सच बात है? बोस हमको मिल गए जितना सच है, भाग जाना भी उतना ही सच है सर। सर सर, बोस की फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया सर। यस, फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। बाहर हमारी पुलिस फोर्स उनको फॉलो करेगी और थोड़ी देर में मुझे एक फोन आएगा। कम ऑन, गेट रेडी टू मूव। ठीक है बाबा, उस बोस के पूरे परिवार को हमारे लोगों ने किडनैप कर लिया है, मगर बोस बच के भाग निकला, वो सीधा यहाँ पे आएगा और आपसे कोड़ा देगा, पूरा पैसा भी उसका हो जाएगा। पैसों का बैग ला दो बाबा। लेकर आ गया। अरे बुड्ढे, तूने कैसे पता किया उन दोनों को? मेरी तबाही के लिए मेरी मौत देखने का बड़ा शौक है तुझे? देख देख, इतना सा था मैं जब से मर्डर्स करता रहा हूँ, समझा? आज तक कभी मुझे बीपी और शुगर नहीं हुआ, तेरे बेटों की वजह से हुआ। भगवत गीता की कसम खाता हूँ, उन दोनों को काट के रख दूंगा। बीवी बच्चों की खातिर तो आएगा ना बॉस, है? ये कौन है, बॉस का बचुआ? इसको भी मेरे वास्ते पैदा किया क्या? बच्चे ने अपने हिसाब से अपना हथियार इस्तेमाल कर दिया। घर के छोटे बच्चे में भी इतनी हिम्मत है? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। ला, 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 ला। अरे बाबा, बच्चे की जान ले रहे हो तुम? इस बच्चे ने क्या पाप किया है? बॉस का बेटा होना ही इसका सबसे बड़ा पाप है। काबू! तू क्यों आया रे? तेरा भाई कहाँ है? हमका ऊ चाहिए। एक घंटे का वक्त देता हूँ तेरे को, जा उसको लेके आ। तूने 5 मिनट भी देरी की तो एक एक करके इन सबको उड़ा दूंगा। जाओ, तुझसे कह रहा हूँ, वरना इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। जा बे। चाचू, चाचू, प्लीज डैडी को ले आओ ना चाचू। दादाजी को मारा इन्होंने, तुम्हें भी मारेंगे। जाओ ना चाचू, भाई को मार डालेंगे ऐसा बोला। मम्मी भी बहुत रोई थी, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू। डैडी को ले आओ ना चाचू, जाओ ना। We'll be right back.
ही कर, तू वापस आ गया? तेरे भेजे में मेरी बात नहीं घुसती, काट डालू क्या इसको, खत्म कर दू क्या इसको, बोल बोल, नहीं आएगा कहा, डरता क्या आने के लिए, बोल। तू जैसे गुंडे के सामने आने के लिए मेरा बेटा डरेगा क्या? मौत से नहीं डरता वो, ऐसा पुलिस वाला है। ए चंदू, जा भाई को लेकर आ, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं उसे देखे बिना नहीं जाऊंगा, जल्दी ले आ, जल्दी ले आ। ए, तेरा बाप शर्म से अपनी जान दे देगा, जाकर लेकर के आता अपने भाई को। कहां से लाऊंगा, कहां से आएगा वो तेरी तो, कहां से आएगा वो? एक पिता अपने बेटे को देखने के लिए जल्दी ले आ कह रहा है, तो कहां से आता करके लाऊं, कहां से लेकर आऊं उसे मैं? ये तो क्या बोल रहा है बेटे, भैया को इन गुंडो ने तड़पो तड़पो कर मार डाला इन दरिंदो ने भैया को। देख इस संदी सी जान को, मुझे फोन करके कह रही थी चाचू मेरा भाई पैदा हुआ है, डैडी से बात कर दी है, मैं कैसे कहता उससे कि तेरा डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहा, कैसे कहता कैसे बताता इस मासूम को, कैसे बताता? खत्म कर दो इन सबको, कोई बच के जाने न पाए यहाँ से, देख कह रहे हो टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। देख रोज अपनी मांग में सिंदूर भर के भैया के आने का इंतजार करती भाभी को देखकर, कैसे बोलता कि तेरी मांग का सिंदूर अब नहीं रहा, मैं कैसे बोलता भाभी को, कैसे कर पाऊ ये मैं ही जानता हूँ। कुत्ते, तूने भी ऐसे दाव पेच सीख लिए जो मैंने नहीं सीखे। चंदू, अपने भैया के कातिलों को तुम जिंदा मत छोड़ना, एक एक को चुन चुन कर मारना, चुन चुन कर मारना, चीर दो इन सबको। इस दस दस में दौड़ रहे मेरे भाई के खून की कसम खा के बोलता हूँ कुत्तों, तुम में से आज कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा, सबको मौत के घाट उतार दूंगा। देखिए कितनों को मरा है इसने, इसको अरेस्ट कीजिए सर, शफी और डीआईजी को इसी ने मरा है और अब हमका भी मरना चाहता है। सर मुझे लगता है 100 करोड़ के लालच में बोस को भी इसी ने मरा होगा। सर hey, मैं मिस्टर बोस के साथ 4 साल काम कर चुका हूँ, उनकी सिंसियरिटी क्या है वो मैं जानता हूँ। इतनी सारी बदनामी के बाद भी मिस्टर बोस बाहर नहीं आए तो तभी मुझे शक हो गया था कि शायद वो जिंदा नहीं है। hey, उसे तुम्ही ने मारा है ये इंक्वायरी से पता चला, तभी तो इतना ड्रामा करना पड़ा मुझे। ए चंदू, तुझे मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, जो करना है कर ले, उतने में इसकी धड़कनें बंद हो जानी चाहिए। कॉन्स्टेबल्स रिलैक्स, टेंशन मत लो। ये क्या कर रहे हैं साहब? बैठ जाओ और तमाशा देखो। वेरी गुड कमीना, हट। तेरे को एसीपी बॉस चाहिए।
इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती लगती है तुझे? चंदू फेंक दो उसे, चंदू फेंक दो उसे, चंदू फेंक दो उसे। चंदू चंदू फेंको, चंदू इतने पुलिस वालों के होते हुए भी इतनी लाशें, किसने मारा सबको सर? बोस, एसीपी बोस ने। जाइए जाइए वहां जाकर शवों का हिसाब किताब लीजिए। गो 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 गो, टेक द फोटोग्राफ्स। ओके सर। बेटा गुडविल बैंक से मारा 100 करोड़ रुपया मेरे बॉस ने कहां छुपाया मैं बता दूंगा। आप बॉस जी के नाम से उससे सब में बांट दीजिए, लेकिन उन गुनेगारों की लिस्ट में से मेरा नाम निकाल दीजिए ना। चंदू, इस ड्रेस में रहकर हम कुछ नहीं कर सके, वो एसीपी बोस ने कर दिखाया है, उसे वैसे ही हमारे रहने दो। टेक केयर ऑफ योर फैमिली।